Very good evening to all. Good evening everyone. Good evening. So very good evening to all. कैसे आप सब लोग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर. सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. हाँ हाँ, ये सब लिख के भेज रहे हैं. अच्छा बताओ कि एग्जाम मैपिंग सीरीज का जो आप लोगों ने पढ़ा कैसा रहा? ऐसा लग रहा था याद आ रही थी हम लोगों की, नहीं याद आ रही थी? सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. आ गए सब लोग? ठीक है, कमेंट करके फटाफट बताओ. देखते हैं कि कैसे हो सब लोग आप लोग. यस, मजा आया एग्जाम में सर. कोई मतलब वो बोल रहे थे सर कि आप सब लोग दिख रहे थे. हाँ, वो पहले मैंने एक पढ़ा था सर. हाँ, कि याद आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हाँ हाँ यही. आधे लोगों को तो नींद नहीं आई और आधे लोगों को पूरा एग्जाम मैपिंग दिख रहा था, मतलब एग्जाम में. गुड इवनिंग गुड इवनिंग. अब बताओ, मुझे बताओ जल्दी से. आप दिख रहे थे. ओहो अरे भाई, क्वेश्चन भी देखना था. तो क्वेश्चन हो पाए कि नहीं फिर. नमस्ते नमस्ते. आ गए सब लोग? पहले से ना, आप पहले लाइक कर देना एज वेल एज सब्सक्राइब करना चैनल को. नए लोग बहुत सारे आए हैं. नए मेहमानों का हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है. ओके, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए. प्लस आपके लिए मतलब जो भी नए स्टूडेंट है एंड जो भी CSIR का नेक्स्ट CSIR को टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली एंड बहुत ही बड़ा सरप्राइज है वैसे कि एक स्पेशल बैच हमने अभी स्टार्ट किए और स्टार्ट कर रहे हैं अभी 26 सितंबर से. एंड ये सिर्फ आपके लिए. ओके, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कल भी मैसेज आया था, कल भी वो कमेंट कर रहे थे कि उनको बैच ज्वाइन करना है. इवन कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स किए हुए हैं. तो आप ही के लिए ये न्यू बैच है कि जो लॉन्च हो रहा है. बहुत ही बड़ा मतलब ग्रैंड बैच है, ग्रैंड न्यू कोर्स है कि जो आपके लिए एंड विद डिस्काउंट लॉन्च हो रहा है. ओके, तो ऑफलाइन बैच 26 से स्टार्ट हो रहा है. वो भी पुणे में भी स्टार्ट हो रहा है एज वेल एज जोधपुर में भी स्टार्ट हो रहा है. तो आपका दोनों भी जगह पे वेलकम है. पुणे भी बहुत अच्छा है कि आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं पुणे ज्वाइन कर लो या जोधपुर में ज्वाइन कर लो. दोनों भी जगह पे आप ऑफलाइन कोर्स 26 से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हो. एंड नेक्स्ट कि जो मोस्ट अवेटेड बैच है, सरप्राइज बैच जो ऑनलाइन का बैच है. जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जिनको ऑनलाइन बहुत अच्छा लगता है एंड वो ऑनलाइन IFS के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए 26 को ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. और इस बैच में क्या धमाका होने वाला है? बहुत बड़ा धमाका है. इसकी जानकारी मिलेगी कल शाम को 5 बजे. यस, तो कल शाम को 5 बजे आना मत भूलिएगा, जिसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अब आने वाले दिसंबर एग्जाम में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है. YouTube के ऊपर बेसिकली आपसे चर्चा करेंगे, आपसे सुख दुख साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब हम दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं. और यही नहीं, अगर आप IFS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो क्या आपको ऑफर मिलने वाला है. इट वुड बी सरप्राइजिंग. बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा. तो सर ने पहले ही कह दिया था कि अगर आप लोग सब पढ़ रहे हो तो 26 तारीख तक का वेट कर लेना. 26 तारीख से पहले IFS में भी एडमिशन मत लेना किसी भी बैच जब तक मतलब ले लो. ऑफर है तो उसको जान लो एक बार, वो फिर आपको फिर मजा आएगा. और हाँ सर, अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट मिलने वाले हैं. और देखिए हमारा तो सर मैपिंग सीरीज जो इतना बढ़िया इन लोगों के लिए रहा है सर, 1 महीने के मैपिंग सीरीज अगर ये हो सकता है बिल्कुल तो 5 महीने के रोज के 5 घंटे हर संडे को टेस्ट देने के बाद और आपकी डांट सुनने के बाद, नीलेश सर की डांट सुनने के बाद, विशाल सर की डांट सुनने के बाद और मेरी तो सिर्फ आंखें देखने के बाद, अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो फिर क्या होगा? इम्पॉसिबल है. मतलब फिर अगर कोई रोक सकता है आपको तो फिर आप ही रोक सकते हो। बाकी तो सारे दुनिया के सारे जितने भी बंधन है वो सारे टूट जाते हैं, आप क्वालिफाई तो करके ही रहोगे, है ना। तो अब सर इसमें देखिए ये सब बता रहे कि मैपिंग के प्रेडिक्शन एकदम कैसे सही आते हैं, वो तो पता ही नहीं ऐसे सही आते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे ना ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, जनरल एक्टिविटी में कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, इतनी सिंपल चीजें आती है सर, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा। मतलब आप में से कुछ लोग, ज्यादातर नहीं, 99% आप हमारे साथ सहमत थे, पर 1% लोग ऐसे भी हर एपिसोड में मिलते थे कि नहीं हमेशा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्या, वैसा कोई क्वेश्चन आता है क्या, ये कोई सीएसआर में क्वेश्चन आते हैं, और वही तो आए और अभी भी पढ़े हैं। मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को तेलुगु क्या, कल परसों पेपर, एग्जैक्ट पेपर भी आ जाएगा एनटीए की तरफ से, और फिर एनालाइज कर लेना। मुझे तो पूरा यकीन है वहीं से आया, और ज्यादातर बच्चों ने कमेंट भी किया है कि उन्हें काफी काफी मदद मिली है इस 1 महीने की सीरीज के अंदर, अंतिम वार के अंदर भी उन्हें बहुत बेनिफिट मिला है, और साथ साथ में जो मैपिंग सीरीज थी उसको भी उन्होंने एंजॉय किया है। और सर बहुत ज्यादा बच्चों ने आपको थैंक यू बोला है, विशाल सर को थैंक यू बोला है, क्योंकि पूरे आईएफएस टीम को, मतलब बाकी सब टीम को, प्रतीक्षा मैम को, और जिन्होंने भी लालजी सर को, जिन्होंने पूरे 5 महीने YouTube पर कुछ न कुछ सेशंस लेते गए, तो उन सबको थैंक यू। तो मेरी तरफ से भी, मेरे इस परिवार की तरफ से आप दोनों को भी थैंक यू, लालजी सर को थैंक यू, प्रतीक्षा मैम को भी थैंक यू, और उन सभी लोगों को थैंक यू जिन्होंने इस 5 महीने तक आपको कुछ न कुछ पढ़ाया है। अब बस इंतजार है आपके रिजल्ट का। चलो सर अब देखते हैं क्या क्वेश्चन, देखते हैं। यस सर, बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पर भी रोज पढ़ा दीजिए। हाँ हम रोज ही तो पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा सेशन आता रहता है। देखो इतने सारे वीडियो सर, मैंने एक दिन वीडियो देखा 2.9K IFS के चैनल पर वीडियोस हैं सर, 2.9K, तो ये बहुत है। मतलब हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा। कल से तो स्टार्ट हो रहा है न्यू सीरीज, तो कल शाम को 5 बजे आइए। 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है, कल से ही 5 बजे स्टार्ट हो रहा है, कुछ न कुछ नया आप लोगों के लिए। वो भी एग्जाम, ये पूरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, पूरा यूनिट स्टार्ट हो रहा है। तो आप मतलब हम सब एंजॉय करेंगे उस यूनिट को, और आप जो भी स्टूडेंट जो प्रिपेयर करना चाहते हैं वो इसको जरूर याद रखें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो विथ कोर्स विथ न्यू बैच ज्वाइन करके प्रिपेयर करो, आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा। क्या फीस होगी 6 मंथ की, कल इंतजार करिएगा, कल बताएंगे आपको 6 मंथ्स की, कल पता चलेगा। आज तो मुझे भी नहीं पता क्या फीस है, बट बहुत अच्छी फीस होगी, ऐसी फीस होगी जो सबके लिए अफोर्डेबल, और फिर भी अफोर्डेबल नहीं है तो फिर यूट्यूब जिंदाबाद। आप और हम जिंदाबाद यूट्यूब के ऊपर। आप एक चीज नहीं 4 चीज हमसे पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सर आप कमेंट्स देखिए, जो भी बच्चे हैं, जो भी इनके डाउट्स हैं, उन डाउट्स को अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों 26 सितंबर आज से 1 महीने के बाद आपका सिलेक्शन तो हो गया, पर अपने जूनियर्स, फ्रेंड्स या इवन सीनियर्स भी जिनका अब तक सीएसआर जेआरएफ एग्जाम नहीं हुआ, तो उन्हें जरूर बताइएगा इस बैच के बारे में। चलो ठीक है, कमेंट देखो सर, 99,999 मतलब वो कह रही है 10,000 भी दे दो, 10,000 भी दे दो सर। अच्छा 10,000 में ही चाहिए क्या बैच, ऐसे ऐसे? अरे भगवान, अरे रे, वो भी 6 महीने का चाहिए, कोई बात नहीं। चलो जो भी होगा देखते रहते हैं। सो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि देखो एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस आए थे वो तो आप हमसे बेहतर जानते हैं, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है, पर जो क्वेश्चंस आपने YouTube के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में डाले हैं उनको एनालाइज कर या ऑफलाइन के कुछ बच्चों ने जो हमें जानकारी दी है उसके हिसाब से हमने पेपर को कंपाइल करने की कोशिश की है, और उससे हमें ये पता चल रहा है कि पेपर सुबह की शिफ्ट हो या शाम की शिफ्ट हो, दोनों लगभग एक समान ही थे। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इवनिंग शिफ्ट का मान सकते हैं, ज्यादा है। अब थोड़ा कितना ज्यादा था उसको तो सर एग्जैक्टली पेपर आएगा तभी पता चलेगा। सुबह के अंदर ज्यादा समय नहीं लगा था क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में, 25 क्वेश्चंस को पार्ट सी के अंदर। शाम के वक्त बच्चे बता रहे हैं उन्हें थोड़ा ज्यादा समय लगा अपने क्वेश्चन को, पार्ट सी के क्वेश्चन को 25 को ढूंढने में, और पार्ट ए में भी 7 क्वेश्चन से ऊपर बढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, और सुबह के शिफ्ट में 10 क्वेश्चन तक वो आराम से टच कर गए थे, ऐसा मुझे बताया। पर यहाँ के बच्चों ने बताया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे यूनिफॉर्मली इंडिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होता है। आप ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि मेरी राय है वो सही है या गलत है। सर वो सब लोग पूछ रहे हैं मतलब लड़का है क्या लड़की है? लड़का है लड़की है उसके लिए अभी आई नहीं है, लगन पत्रिका छपी है और लगन पत्रिका छपने के बाद शायद इस वीक के एंड तक एनटीए की वेबसाइट पर पेपर आ जाएगा और एक बार पेपर आ जाएगा तो फिर लड़का लड़की आपको कंफर्म बता दिया जाएगा। अभी तो हल्दी की रस्में चल रही है तो हल्दी की रस्में है तो अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, तो थोड़ा समय लगता है। हम बताने की कोशिश करेंगे कि लड़का हुआ या लड़की हुआ। हर्षल कह रहे हैं कि सर क्या स्पेस पर और तो पहले चिल्ला के बताया इनको, ठीक है, एक ऐसा कुछ क्वेश्चन था सर अपने और है ना बच्चों से जानते क्योंकि समय हमारे पास भी कम है बच्चों के पास। और आप लाइक और शेयर जरूर करें, अगर अब तक आपने शेयर नहीं किया तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब आप शेर नहीं है, मुझे पता आप होमो सेपियन सेपियन है बट फिर भी शेयर कर लो। कितने सारे क्वेश्चन तो सर ये शेर चीते बाघ राइनोसिरोस पे आ गए, कोई वल्चर को भी नहीं छोड़ा। इस यहाँ का भी आया था ब्लैक डियर का कुछ ब्लैक बक का सर चिंगारा का आया, वही सर जिसका सलमान खान ने शिकार किया था नहीं किया था वो तो कोर्ट जाने, बट उसको कोर्ट में चक्कर लगाने पड़े थे और फिर उसके बाद फाइनली अब तो मतलब समझ तो गए होंगे कि कौन पीछे पड़े कौन उसको बचाते हैं, समझ तो गए होंगे ना। वो तो उनको मतलब डायरेक्ट मार्क मिल गए, ठीक है। तो क्वेश्चन एक इस तरीके से था, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय बाइसाइकिल व्हील ऑफ 56 सेंटीमीटर डायमीटर, कोई 56 सेंटीमीटर डायमीटर का व्हील था या नहीं था मुझे नहीं पता, पर ये 56 सेंटीमीटर का व्हील था। तो इसका मतलब डायमीटर दे रखा इसका मतलब रेडियस भी दे रखा है, रेडियस का जगह डायमीटर बाय 2 हो जाएगा। और कहा है कि वो उसको 22 किलोमीटर चक्कर काटने, तो कितने चक्कर काटने पड़ेंगे? तो एक चक्कर को कितना काटेगा सर? 2 पाई r। तो 2 पाई r में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? सिर्फ इतना सा लिखना है, 2 into पाई into रेडियस कितना है, d by 2 की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करोगे। मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, बस ये फॉर्मूला लगाना कि एक बार में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक बार में डिस्टेंस करेगा 56/2, इतना मीटर ट्रेवल करेगा। अब आपको पता लगाना 22 किलोमीटर में कितनी बार रेवल, तो 22 किलोमीटर में 22,000 कर लो, एक तो है ना 22 किलोमीटर है 22,000 मीटर है, उसको डिवाइड कर लो आप 2 into 22/7 into 56/2, आपका आंसर शायद कुछ 12,500 के आसपास आ जाएगा। ऐसा कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? चलो कमेंट करके फटाफट बताओ। लाल जी सर कह रहे हैं लाइक कर दो, है ना, क्वेश्चन आपके जो आप किए हो सब सही होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो उसका आंसर 12,500 था, आया कि नहीं आया वो तुम जानो। एक और क्वेश्चन मेरे बच्चों ने मित्रों ने बताया है कि दोस्तों कि dn/dt = rn इक्वेशन है k - n/k, है ना, ऐसा कुछ कहा गया है, ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया है। लालजी सर का क्वेश्चन है, फिर भी मैं सॉल्व को करने की कोशिश करता हूं कि kn - k की किस वैल्यू पर हाईएस्ट इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इसमें लॉजिक्स की लड़ाई झगड़े तो ज्यादा तभी होगा जब n है वह ऑलमोस्ट k के आसपास पहुंचे, लगभग k के आसपास पहुंचे। k क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पहुंचा है। बराबर पहुंच जाने का मतलब इधर k में से n को वास वैल्यू को माइनस करो तो ये जितनी लो आए उतना बढ़िया। k - n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जितनी लो हो उतना ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू फाइनली ये वाली वैल्यू है, तो रेशियो भी क्या आना चाहिए? लोवेस्ट आना चाहिए। तो हमें ऐसा आंसर चूज करना जो सबसे लोवेस्ट है। तो जो मुझे ऑप्शंस दिए गए इसमें से लोवेस्ट आंसर है वह है 0.001। मुझे नहीं पता ऐसा प्रश्न था या नहीं था, पर अगर इस तरीके का कुछ ऑप्शन है। लॉजिक सर इतना सा था कि सबसे स्लोवेस्ट हम कैसे सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े कब होंगे? तो लड़ाई झगड़े तो तभी होगी जब पॉपुलेशन n k के बराबर पहुंचा है। k क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी, है ना। तो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर n पहुंच गई तो k और n के बीच में डिफरेंस या तो 0 हो जाएगा या नाम मात्र का हो जाएगा, और वो नाम मात्र का डिफरेंस हो गया तो नीचे k से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बहुत कम आएगी, तो जो सबसे कम वैल्यू होगी वो उसका आंसर होगा। था तो फिर था। अब ऑप्शन क्या थे वो भी मुझे नहीं पता, पर ऐसा कुछ था और ये लॉजिक उसके अंदर लगना था। ऐसा मुझे लालजी सर ने टेलीफोनिकली बताया कि सर अगर इस प्रकार का प्रश्न था तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नीलेश सर ने भी मुझे इसे समझाने की कोशिश की। आगे हाँ सर था ऐसा उन्होंने लिखा। हाँ सर बहुत अच्छी बात है, मतलब एक और आप नहीं तो लिखे हैं यूट्यूब में, हमें क्या पता था या नहीं था। एक ऐसा क्वेश्चन यूट्यूब में कमेंट्स में आप बच्चों ने कहा कि केल्विन साइकिल के कुछ एंजाइम्स थे और उन एंजाइम्स को वो किस फेज में काम करते हैं उनका लिखा हुआ था सर। जैसे लिखा हुआ था कि ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज रिडक्शन करता है। अब ये सही है या नहीं है? तो उनमें से शायद इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ऐसे सारे एंजाइम जो आरयूबीपी बनने से लेकर ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट तक वाले जो स्ट्रक्चर है ना, कहां से 3-फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट के बीच के कोई स्टेप्स हैं तो हम कहेंगे वो रिडक्शन में इन्वॉल्व है। रिडक्शन का मतलब बेसिकली ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज वाली स्टेप। रूबिस्कोप का कोई नाम दिया गया है तो वो फिक्सेशन वाली स्टेप पर है। और एक बार ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट से लेकर वापस आरयूबीपी की स्टेप तक का कोई कुछ एंजाइम का नाम लिखा हुआ था तो वो वापस रीजनरेशन की स्टेप में। तो आप बेहतर ढंग से जानते हैं क्या एक्चुअल क्वेश्चन था, क्या आरयूबीपी से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, उस स्टेप में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे उनको हम कहेंगे वो एसिमिलेशन या फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। एक बार 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, वहां से ग्लिसराइड बनाने तक वाले एंजाइम जैसे डीहाइड्रोजनेज वगैरह, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द स्टेप्स ऑफ रिडक्शन। एक बार ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट आपने बना दिया, उससे वापस आप आरयूबीपी या ग्लूकोज बना रहे हैं तो दे आर इन्वॉल्व इन अ रीजनरेशन स्टेप। ओके, मृणाली कह रही है एनोवा में मीन डिफरेंट एसडी कुर्टोसिस डेप्थ फ्रीक्वेंसी पार्सिमोनियस ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, देखेंगे बच्चे है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था तो आप खुद समझ लेना लॉजिक इसमें क्या है। एक कुछ कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप का म्यूटेंट था, मेरे एक मित्र ने यूट्यूब पर काफी बड़ी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी तो थैंक्स टू हिम, उसके हिसाब से मैंने इसको मैप मैच बनाने की कोशिश की थी। उसने कहा कि सर 6 है वो सबसे मैच करता है, वो अभी भी कमेंट आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसने कहा 6 सबसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी सबसे का मतलब खुद से नहीं करेगा बाकी सबसे करेगा। फिर उसने कमेंट बॉक्स के अंदर ही लिखा हुआ था कि 4 और 5 आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये ध्यान रखा कि 4 वाला 4 के साथ तो कर ही नहीं सकता, 4 वाला 5 के साथ भी नहीं कर रहा है, 4 वाला 5 के साथ भी नहीं कर रहा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी लिखी। फिर मैंने ये भी उसने लिखा है कि 1, 2 और 3 भी सर आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो 1, 2, 3 भी आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, उसकी ये बात मैंने मानते हुए ये कॉम्प्लीमेंटेशन वाला एक चार्ट बनाया है ना। अब अगर उसकी ये बात सही है तो कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है, तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है अगर ये बात सही है तो 1, 2 और 3 तो एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 4 और 5 दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और 6 क्योंकि सबसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसलिए तीसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए टोटल कितने ग्रुप हो जाने चाहिए, 3 ग्रुप हो जाने चाहिए। ठीक भाई, आपकी जिम्मेदारी है, प्रश्न अगर ऐसा था तो ये आंसर होगा। क्या कमेंट में क्या कह रहे हैं, सही बात है कि नहीं है? यही क्वेश्चन था, ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा ही था क्या? यस 3 आया था सर, इसका आंसर 3 आ गया था, आंसर हाँ सही था, ऐसा ही था सर, ये किया था ना हमने कॉम्प्लीमेंटेशन यही था ना ये तो किया टेबल का। अरे सर एक बार पेपर आने दो फिर हम देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस आए थे। अभी तो मैं सुन ही रहा हूँ सर, इनके कमेंट देख रहा हूँ, मैं देख ही रहा हूँ कि हाँ कितने सारे ये लोग बता रहे हैं। हाँ आदित्य कह रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही ग्रुप था, 1, 2, 3, 4, 5 अलग ग्रुप था, 6 अलग। वो एक ने कहा नो ऐसा नहीं था, वो नो वाला पढ़ो, उसने क्या कहा कुछ कहा कि नहीं ऐसे नहीं था, क्या बट स्लाइड चेंज क्वेश्चन था, वो क्या था, नो सर दिस वाज नॉट आज कॉम्प्लीमेंटेशन बिटवीन 5 एंड 6 ओनली, कॉम्प्लीमेंटेशन 5 एंड 6 ओनली, तो फिर तो क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा। खैर कुल मिलाकर आपको निकालना आता है ना, ये तो मैंने मैपिंग सीरीज में भी बताया था आपको, और अंतिम वार के अंदर जो पहला सेशन जेनेटिक्स का लिया था उसके अंदर आपको एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन में लेकर आया था। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहा होगा बस, मतलब ऐसा क्वेश्चन था आपको याद आ गया, वो बहुत अच्छी बात है। फिर सर प्रांत सर एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि प्रोफिलीन का काम क्या है, थाइमोसिन का काम क्या है, फॉर्मिन का काम क्या है, कोफिलिन का काम क्या है, कौन प्रमोट करता है, और ऑप्शन क्या थे पहले सुन लो। 1 बाइंड विद एडीपी बाउंड एक्टिन फिलामेंट, 1 एक्सचेंज एडीपी विद एटीपी बाउंड टू एन एक्टिन फिलामेंट, वापस रीजनरेट करने का काम करता है, वो बात कहना चाहता है। और एक है बाइंड विद एक्टिन फिलामेंट इनहिबिट फिलामेंट ग्रोथ। सिंपल सर, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर ये वास्तव में था तो कितना सिंपल तरीके से मैच करना था। और सर ये चीज ना मैंने 2 बार पढ़ा, साइटोस्केलेटन में भी लास्ट बताई सर, उस दिन मैं पढ़ा ही था है ना, ये भी बताया अंतिम बार में भी, अंतिम बार की बात भी करो ना। और एक और जो उससे पहले मैपिंग सर दो दो बार बताया कि ये आएगा 100% आएगा। तो क्या है सर, क्या मैच करे इसमें? सर इसमें प्रोफिलिन तो है जो एक्सचेंज कर पाएगा एक्टिन एडीपी विद एटीपी एंड बाउंड एक्टिन फिलामेंट थायमोसिन तो कट करता है, सीवियर वाला हो गया तो हाँ हाँ इनहिबिट फिलामेंट इनहिबिशन का कुछ काम करेगा, आप कह सकते हैं इसको डीपॉलीमराइजेशन प्रमोट करेगा। एक्चुअल ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है। हाँ और फॉर्मिन तो सर ब्रांचिंग करवाने का काम कराता है। सर फॉर्मिन जो है न्यूक्लिएशन ना है, शुरुआत कराता है। ARP2 है वो ब्रांचिंग का कुछ ऐसा ब्रांचिंग का काम कराता है ना सर, ये न्यूक्लिएशन का हो गया। और सर कोफिलिन भी जो है वो ग्रोथ को कम करने का या डीपोलराइजेशन मतलब इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फिलामेंट। अब इसमें पता नहीं क्या इसके साथ हो सकता है, शायद दो कॉलम वाले रहे होंगे, मतलब एक दो से मैच हो सकता है। प्रोफिलिन तो प्रमोट ही करेगा सर, प्रोफिलिन प्रमोट करेगा, ग्रोथ प्रमोट करेगा, कोफिलिन है वो इनहिबिट करेगा। अब देख लेना एक्चुअल ऑप्शन हमारे पास है नहीं, उसके हिसाब से आप मैच कर लेना एक्चुअल ऑप्शन क्या होगा। अब ये दो बार बता दिया है और डायग्राम भी सर विद डायग्राम बताया नहीं। ज़हीर अब्बास ये एग्जाम मैपिंग अगले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले एग्जाम के लिए अलग एग्जाम मैपिंग होगी। ऐसे एक बार ही एग्जाम मैपिंग हर बार समझना पड़ता है कि इस बार एग्जामिनर का क्या मूड है। मतलब पेपर को हर एक टीचर पेपर को एनालाइज करता है ना, तब तो जाकर के मैपिंग होती है। ऐसा थोड़ी कि ऐसा होता तो फिर तो मैं पहले दिन से सर बच्चों को वही पढ़ाना शुरू कर देता। तो एक्चुअली जो भी कंट्री में एट प्रेजेंट एग्जाम्स हो रहे होते हैं, गेट, ICMR, DBT का, नेट का, इस बार के जो दोनों सेशंस हैं, JNU PhD एंट्रेंसेस के जो एग्जाम होंगे, सेट एग्जामिनेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, J&K के होंगे, उन सब पेपर को एक कढ़ाई में डालते हैं, फिर प्रांसु सर हिलाते हैं, नीलेश सर उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी जीरा डालते हैं, विशाल सर है वो उसमें धनिया पुदीना डालते हैं, उसके बाद मैं उसकी खुशबू सूंघता हूँ और उसके बाद समझ में आता है अच्छा इस बार जो एग्जामिनर लॉबी है उनका क्या मूड है। और रियल मतलब इसको मैंने जो की तरह बताया, पर वास्तव तरीका यही है कि यू हैव टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट कि इस ईयर के अंदर जितने भी इंडिया के अंदर एग्जामिनेशंस हुए हैं, इवन CUT के एग्जाम में भी बच्चों ने क्या मतलब टीचर्स ने क्या पूछा है, वो सारे चीजें एनालाइज करके हर बार कुछ नया प्रेडिक्शन करना पड़ता है ना। कट ऑफ प्रिया तब तक नहीं बताए जा सकते जब तक NTA पेपर रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार हम भी पेपर देख ले फिर उसके बाद कट ऑफ के लिए भी बात करेंगे। अभी क्वेश्चंस तो देखो आए थे या नहीं आए थे। और सर इनको बोला था 100% जिसमें बोला था ना कि ये आएगा, वो आया है। अब जैसे ये क्वेश्चन सर इन्होंने कहा कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, CT है वो यूवी रेज का इस्तेमाल, वो तो यूवी नहीं करती हो तो एक्सरे का इस्तेमाल करती। पता नहीं ये ऑप्शन में था कि नहीं था, मुझे पता नहीं। आयोडीन 123 यूजेस में था, ठीक है। हाँ आयोडीन हम ये मान सकते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव आयोडीन की फॉर्म रही होगी और वो थायराइड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, चलो उसको मान लिया। MRI है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करती है, मान लिया, क्योंकि वह रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है। अब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में तो यूवी भी आती है, लेकिन एक्चुअली क्या लिखा हुआ था वो आप जाने, आपका काम जाने, पर इस तरीके से क्वेश्चन था। आप भी हेल्प कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या था। और आयोडीन वाला सर कई बार पूछा जा चुका है पहले भी और बहुत पुराना क्वेश्चन है सर। अपना वो स्टूडियो सेटअप करो ना, दिख नहीं रहा है अपना तो, ये पीछे पूरा वो अपना कमरा तो दिख ही नहीं रहा है। दिख तो रहा है सर, ये तो सर सिर्फ हो गया ना वर्चुअल बोर्ड दिख रहे हैं सर। एक्चुअली क्या इससे बच्चों को छुप रहा होगा। अच्छा 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 हाँ, अब ये मेरे पीछे दिखना शुरू है ना। हाँ अब सही है, अब सही है, ठीक है ठीक है ना। थोड़ा बोर्ड साइड में हो गया सर, क्या बोर्ड पे आ रहे थे अपन। ठीक है चलो, थायराइड सिंटियोग्राफी सर इट इज। सिंटियोग्राफी क्या कहना, बिल्कुल। चलो ये कोई क्वेश्चन, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन था, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, है ना सर। मतलब अल्फा हेलिक्स बीटा शीटा प्रोटीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा क्या था। करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना था। और मेरे यूट्यूब के दोस्त कहते हैं कि बीटा शीट्स आर मोर कॉमन इन प्रोटीन कंपेयर्ड टू अल्फा हेलिक्स, ये तो गलत बात है, अल्फा हेलिक्स ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सर। प्रोलीन आर मोर अबंडेंट, अल्फा प्रोलीन तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अब करेक्ट ढूंढू कहां से, ऑप्शन ही तुमने दो बताए तो अब मुझे करेक्ट उसमें नहीं ढूंढ सकता। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि एक्चुअली और क्या करेक्ट रहा होगा, क्योंकि दोनों जो ऑप्शन दिए थे ये दोनों इनकरेक्ट हैं, ये दोनों ही ऑप्शन दे रखे थे, दोनों ही इनकरेक्ट है। तो अब दे दो ऑप्शन तो फिर बता दें हम इसी वक्त कि क्या हो सकता है। ये कह रहे हैं वापस जूम कर दो, चलो वापस जूम कर देते हैं सर। मैंने देखा कि हमारे क्या लो, ये लो वापस जूम हो गया, बस खुश, क्लियर दिखाई देता है उससे। अच्छा ठीक है, अच्छा समझ में आता है, ओके आया था, वेरी गुड, आया तो था, पर इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या था? बिल्कुल, दो स्टेटमेंट और भी जिसको याद हो फटाफट बता दो। वन स्टेटमेंट, बीटा शीट्स आर प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ अ प्रोटीन, वो तो आउटर इनर कहीं पर। अच्छा, रॉन्ग चूज करना था तो ये तो फिर दोनों ही रॉन्ग है। अब आप जानो आपका जानो, ये तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा अगर रॉन्ग चूज करना था तो। एक ऐसा क्वेश्चन आया था रामाचंद्र प्लॉट का, और ये तो सर मेरी सेकंड क्लास के अंदर मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था और कहा कि ढूंढ लो इसको, रट लो। ये सर याद नहीं करता वो रामचंद्र, मैंने रामचंद्र जी को याद करके रट लो, आंसर आ जाएगा आपका और ये 4 नंबर दिला जाएगा। ऐसे ही सीडी के मेरे से पहला सेशन सीडी वाला था, दूसरा रामाचंद्र था, दोनों भी आए थे, दोनों ही धमाके के साथ आ गए। अगर ये सही बात है तो ये, अगर ऐसा क्वेश्चन था या नहीं था मुझे नहीं पता, पर अगर ऐसा था तो ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, बिल्कुल आप जाने आपका काम जाने। ये बीटा शीट है और ये वाला कोलाजन हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स इज मोर कॉमन, कौन सा ये सब बीटा शीट वाला रामचंद्रन यही तो है। हाँ, यही आया था ना, ठीक है ये देखो, ठीक है ऐसा ही कुछ है। यस हाँ, यही आया था, नीचे लिखा है यही था सर। लोग हाथ जोड़ जोड़ करके धन्यवाद कर रहे हैं सर कि हमने बता दिया, आपकी वजह से क्वेश्चन बन गया। अच्छा यही था, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस से किया। अच्छा एक बात मुझे ये भी लिख करके बता देना कि एग्जाम मैपिंग से पहले और बाद में, या पहले आप एग्जाम देते तब क्या था और जब आपने आईएफएस को ज्वाइन किया तब क्या था? क्वेश्चन समझ में आने लग गए कि नहीं? कहां से पूछ रहे हैं वो सर, वो एक एसेंस मिल जाता है क्वेश्चन का कि कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे बच्चे आप लोगों से और मुझसे ये सीख रहे हैं ना, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आगे चलकर ये बहुत खुद सब बहुत अच्छे टीचर बनेंगे सर। खुशी इस बात की, आएंगे यहाँ पर हमारे साथ पढ़ाएंगे सर। हाँ पढ़ाएंगे, मैं तो चाहता हूँ ऐसे टीचर होने चाहिए जो बच्चों को लाइक तो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, सब्जेक्ट में थोड़ा प्यार भी पैदा करे और फिर कहेगा अच्छा हम भी कर सकते हैं, ये जज्बा पैदा करना बहुत जरूरी है कि यस वी कैन डू इट। विशाल सर एक क्वेश्चन आपके वहां से आया था कि कोई बाइकॉड म्यूटेंट है, मुझे नहीं पता ऐसा आया कि नहीं आया, पर उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन है बाइकॉड म्यूटेंट है और उसके बीच में बाइकॉड का इंजेक्शन लगा दो तो क्या बीच में सिर पैदा हो जाएगा और बाकी पूंछे होगी, ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल है ना, बाइकॉड म्यूट ये आया था ना, मिडल साइड में ऐड किया है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ था कि बाइकॉड को बीच में कहीं पर आपने इंसर्ट किया, अरे यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, नाराज हो गए सर, लाइक ही नहीं करते सर, सर नाराज हो गया, क्या हो गया आप? और सुबह वालों को भी बुलाओ, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए, उन्हें भी तो जलन होनी चाहिए थी शाम का पेपर कितना ईजी था। यस सर। अरे अच्छा एक बात ये भी कर लो ना, देखो देख लो ये सारे क्वेश्चन, अभी फिर भी आपको आईसीएमआर देने जाना है और भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये मत सोचना कि बस खत्म हुई कहानी, अब बैग फेंक दो इधर उधर, अब तो कुछ नहीं करना, ऐसा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। देखो इसको, शेयर कर दो जल्दी से, और अब डरो मत, ठीक है? अब एग्जाम हो चुका है तो आप शेयर कर दो कम से कम। अब कुछ सर, अब क्यों ये डर रहे हैं सर? डर का है, अब कुछ नहीं डर रहे। हमारे सेंटर पर आईएफएस के पैम्पलेट बांटे गए थे, आई लाइक पेपर के पहले आईएफएस का पेपर होते हैं आईएफएस। लेकिन आपने लिया ना, आप अपने जूनियर्स को और फ्रेंड्स को बता देना, वो आपके फ्रेंड्स को देने के लिए था। हाँ आपके लिए नहीं, वो दूसरों के लिए यार था। पूछना भूल गई पीयू कौन थी जिसको दिया, पीयू किसने दिया था, उसका थोड़ा शक्ल वगैरह बताओ, हमें पता करना है कि पीयू नाम के व्यक्ति कौन है, शहर बताओ। वो तो बोल रही थी मैं पीयू, मतलब मेरा नाम ही पीयू है, उस दिन ही बोली थी सर। नहीं 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 सर, वो सीएसआर वाले अलाउ ही नहीं करेंगे पीयू नाम से तो, इट्स पीयू नाम से तो अलाउ नहीं करेंगे ना। वो आपको क्यों शक हो रहा है सर, यही तो मेरा नाम है। शहर बताओ, शहर ये वो देखो इट्स पीयू है ना। चलो कोई बात नहीं। और बेसिकली आप हो आईएफएस, हम तो टीचर हैं, मतलब आपको वैसे गर्व भी होना चाहिए कि आपने यूट्यूब से पढ़ा और ब्लाइंड, मतलब दिल खोल के कोई पूछे ना कहाँ से पढ़ा है कि आईएफएस से पढ़ा है, पैसों से पढ़ा है, नहीं पैसे से नहीं फ्री से पढ़ा है, और पैसों से पता नहीं कैसे पढ़ाते, वो फ्री में भी इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इसको कहने की कहाँ, मतलब कहाँ डरने की घबराने की जरूरत है। और निश्चित रहो, इससे और कोई भी निराश नहीं होगा यहाँ आने के बाद, वो आपको थैंक यू ही कहेगा यहाँ की क्वालिटी को देखकर। अरे सर क्लासरूम में मैंने आखिरी दिन ये लाइन साइन का नाम लिखा था, वो आया ना क्वेश्चन, मैंने सर लिखा था, मैंने लिखा था कि ये पढ़ो कुछ आए ना आए ट्रांसपोज़न में ये जरूर आएगा, सीरियसली सर, और हाँ गया, क्या बात है मजा आ गया। अरे पीयू तुझे शक नहीं है, मेरे को तेरा असली नाम जानना बेटा, क्योंकि कल तेरी सीएसआर जेआरएफ हो जाएगी और उस सीएसआर जेआरएफ पर ये नाम तो नहीं होगा ना कि इट्स पीयू। मैं इनाम देना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, सेलिब्रेट करना चाहता हूँ आपकी और बाकी सब लोगों की सक्सेस। खैर चलो ये राह सर तभी खुलेगी जब ये जेआरएफ का जब अपना फंक्शन होगा उसके अंदर आएगी पीयू। फेलिसिटेशन पे खैर तो बीच में इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन सही था तो दोनों किनारों पर टेल्सन बन जाएंगे, है ना सर? पूंछ बन जाएगी दोनों तरफ, बीच में हेड बनेगा, फिर दो थोरेक्स आ जाएंगे और किनारों पर टेल्सन, और टेल्सन के बीच में एब्डोमेन हो भी सकता है, नो भी लिखे तो भी चले, अब डिपेंड करता है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बच्चों देखो, कैटाबोलाइट एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरीन कैटाबॉलिज्म इन ह्यूमन था, तो यूरिया था, फिर अगर ह्यूमन है तो यूरिक एसिड है, अब ये ह्यूमन था कि नहीं था मुझे नहीं पता। ह्यूमन था क्या, ये बर्ड्स लिखा था। देखो प्राइमेट्स होता तो आंसर हो जाएगा चेंज होकर एलेंटोइन, प्राइमेट हो गया तो आंसर हो गया एलेंटोइन, ठीक है? और थोड़ा लोअर साइड में एम्फीबियन में जाओगे तो आंसर हो जाएगा यूरिया। और अगर आप प्लांट्स की वगैरह की बात करोगे तो आंसर सीधा पहुंच जाएगा अमोनिया की तरफ। तो अब सोच लो क्या लिखा बता। ह्यूमन में तो सर मैं भी इसको कहीं कहीं पढ़ाता हूँ, वो जो गाउट डिजीज पढ़ाते हैं तो उसमें भी पढ़ता है। पर ये क्या पता ह्यूमंस नहीं था, फिर क्या था भाई? ह्यूमंस नहीं था तो क्या लिखा हुआ था? डायलोरिक एसिड ऑप्शन में था, एलेंटोइक एसिड होगा। अरे बाप रे यूरिक एसिड सही ज्यादा मेरे को ही ऐसा लगता है कि भाई जो आपके यूट्यूब वालों ने लिखा है, मेरे दोस्तों ने लिखा, वो सही लिखा होगा कि अगर ह्यूमंस है या मैमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, तो उसमें एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। बट प्राइमेट्स की अगर बात करोगे, मैमल्स के अंदर ही अदर मैमल, प्राइमेट्स को छोड़कर बाकी मैमल्स की बात करोगे तो फिर वहां पर आपका आंसर एलेंटोइन आ जाएगा, ठीक है सर? बर्ड्स भी है तो भी यूरिक एसिड ही होगा, कोई टेंशन नहीं है। बर्ड्स है तो भी यूरिक एसिड होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर एक आकांक्षा का मैं क्वेश्चन मतलब कमेंट पढ़ना चाहता हूँ कि माय सीनियर सजेस्ट मी टू वॉच योर एग्जाम मैपिंग सीरीज, आई हैव वॉच्ड मेनी एंड गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। थैंक यू आकांक्षा। और आपका भी फर्ज बनता है कि अब आप भी अपने जूनियर्स को रिकमेंड करें, क्योंकि और हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है बाकी लोगों तक पहुंचने का। पता है जब ये सब किया हमने और फिर उसके बाद जब आपसे ये सुनने को मिल रहा है ना, तो सच बता रहे हैं इतनी खुशी हम सबको हो रही है यहाँ पर वाकई कि हमने जो मेहनत किया वो कम से कम आपके लिए थोड़ा फायदे वाली बात हुई, और आगे भी हम करते रहेंगे ना। दैट्स अ मोटिवेशन, दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन वी नीड। यूरिक एसिड सही था सर, मेरा गलत है, लाइफ में नहीं भूलूंगा। फार्मेसी वर्ड ने कहा यूरिक एसिड सही था सर। अच्छा हाँ, जीवन में नहीं भूलेंगे। बिल्कुल पार्था, सबके कमेंट पढ़ रहे हैं, कभी ऊपर चले जाते होंगे तो शायद मिस हो जाता हो। अब सर ये कोई क्वेश्चन था जिसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिली, दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ये मुझे कमेंट्स में देखने को मिला कि एक जगह पूछ रहा है कि जैसे सेशलम नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मनास नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क में किस एनिमल के लिए प्रसिद्ध है। अगर ये है तो फिर तो आंसर होना चाहिए रेड सैंडर स्लेंडर लॉरिस। काजीरंगा में वन हॉर्न राइनो हो गया, मनास सेंचुरी है वो इंडियन राइनोसेरोस, एलिफेंट, बिसन कुछ भी हो सकता है, लंगूर भी हो सकता है उसमें। केवलादेव के अंदर बर्ड्स के लिए काफी फेमस है, जैसे विलायती या जो प्रवासी बर्ड कहते हैं हम, जैसे हिरोन के लिए। लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा यूनेस्को हेरिटेज साइट है, कौन सी रामसर साइट है, इस तरीके का क्वेश्चन था। अगर इस तरीके का क्वेश्चन था तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, केवलादेव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बीज का जो पंजाब वाला बीज वाला है व्यास नदी के आसपास वो रामसर साइट है, मनास वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन थे, दोनों में से क्या था वो तो सर मुझे सेकंड वाला लग रहा है, क्योंकि जहां तक एनालिसिस वाली बात आ रही है, तो सेकंड वाला इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी भारत को 5 नई आंसर साइड मिली। हाँ। तो हो सकता है कि एग्जामिनर ने ये सोचा हो कि इस पर सर इसमें गड़बड़ी है ना कि 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाँ। तो अच्छा, मैच कैसे करेगा? मैच कैसे भाई? वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा भी होगा तो इसके साथ कुछ और कहा होगा, जैसे काजीरंगा के साथ टाइगर रिजर्व और वर्ल्ड हेरिटेज कॉमा करके कुछ हो सकता है लिखा हो। अच्छा आप बताओ आपको। ओके आशीष कह रहा है सर दोनों थे, एक टेबल पे 3 कॉलम थे। ओके तभी मैं कुछ बच्चे कह रहे हैं ऐसा था, कुछ बच्चे कह रहे हैं वैसा था। प्रांजलि फेल कभी जिंदगी में नहीं होते, इट्स नॉट अबाउट अ फेलिंग समथिंग, इट इज गेनिंग एन एक्सपीरियंस। ये एग्जाम में नहीं हुआ ये कहो, and but I gained an experience and this experience would be utilized for next time so that I will get a rank, and CSIR is not the only the exam which you have to target in your life। अभी तो कई सारे DBT बचा है, ICMR बचा हुआ है, GATE बचा हुआ है और वापस नेट तो कोई कौन सा कुंभ का मेला है, हर 6 महीने के बाद तो ये हमारे पास वापस आ जाता है ना। तो तनाव ये जिंदगी से फेल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल लो, फेल नाम की कोई चीज नहीं होती। नो वन एक्चुअली फेल्स। एंड देखो हम भी फेल हुए थे। फेल क्या होता? फेल होता क्या सर? व्हाट इज फेल? तो फेल नहीं होता है मतलब, और व्हाट इज क्राइटेरिया? वो बेंचमार्क कौन सेट करेगा कि इसके नीचे फेल है? अगर एग्जाम में नहीं निकला तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। इट्स नॉट अ फेलियर, उसको रिजॉल्व करो बस। इट्स सिंपली यू हैव गेन्ड एन एक्सपीरियंसेस दैट दीज आर द मिस्टेक्स व्हिच यू हैव टू अवॉइड एंड नेक्स्ट टाइम यू हैव टू परफॉर्म बेटर, दैट्स इट। फेल वेल कुछ नहीं होता है, सब ये फालतू की बात है, इमोशनल ड्रामा है जो आपको दुखी रखता है। आप दुखी होंगे तो आपके घर वाले भी दुखी होंगे, है ना। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक कि इस बार की जो गलतियां हुई है वो गलतियां अगली बार नहीं होनी चाहिए, बस दैट्स इट, सिंपल। और आप पढ़े हो, वो पढ़ाई आपको आगे बच्चों को पढ़ाने में कितनी काम आएगी। CSIR ही तो ये कोई जिंदगी का क्राइटेरिया नहीं है पास और फेल को तय करने के लिए। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आया था, उन्होंने कुछ नहीं बताया, पर मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह बेसिकली ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। ये ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनको कम किया जाए ताकि जो या हम ये भी कह सकते हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस है उनको कम किया जाए ताकि ओजोन को नुकसान कम से कम हो। ये ट्रीटी 1987 में साइन की गई थी, एक्शन में 1989 के अंदर आई थी। उन सभी केमिकल्स को जो कि बेसिकली ओजोन डिप्लीशन करते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी कई सारे कंपाउंड्स, उनको बैन लाया गया था। और अभी तो एक और अच्छी बात है कि ओवर टाइम ऐसा कहा जा रहा है सर कि ओजोन का जो ये घाव बना हुआ है ये पूरा रिपेयर हो जाएगा। अभी इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। मनदीप आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये, आपने आज मतलब ज्वाइन किया है चैनल को या आप चैनल पे आ चुके हो तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को। उसके साथ साथ ही इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे फ्री में। एंड 26 से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आप सीरियसली प्रिपरेशन करो। बैच ज्वाइन करना 26 का, लाइव बैच भी हो रहा है ऑनलाइन का एज वेल एज ऑफलाइन का भी बैच हो रहा है। एंड वो आपके लिए बहुत फायदे का भी रहेगा क्योंकि 6 मंथ में आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा एंड सारे एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर सकते हो उस प्रिपरेशन। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ पढ़ाई भी नहीं होती है, पढ़ाई के साथ साथ एक दोस्ताना व्यवहार भी होता है। हम आपके दुख दर्द समझते हैं और आप हमारे दुख दर्द समझते हैं। हम पढ़ाते हैं तो हम भी तो परेशान होते हैं, हमारी बातें आप सुनते हो और आपकी पढ़ाई में जो समस्याएं आती है वो हम सुनते हैं। तो इट्स नॉट ओनली एंड ओनली टीचिंग, आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जो गलतियां एटलीस्ट जिंदगी में हम लोगों ने की है वो गलतियां आपको नहीं करने देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। एक ने कहा कि सर ओजोन लेयर के अलावा इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी थे जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल की बात भी की गई थी। तो नॉर्दर्न पोल के ऊपर कंपेरेटिवली होल की साइज ज़्यादा है, टेम्परेट रीजन के अंदर ओजोन डिप्लीशन ज्यादा हुआ है, ट्रॉपिकल रीजन में कम है, साउथ पोल में भी होल तो है पर कंपेरेटिवली कम है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। अब पार्ट सी में कोई एक क्वेश्चन था कि कैलकुलेशन करना था V0 का, Vmax गिवन था, Km गिवन था इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ KI इज गिवन। तो फिर तो क्या दिक्कत हो गई सर ये हमेशा ही क्यों आ रहा है पता नहीं मुझे नहीं। मतलब सबसे पहले सर KI की हमेशा KI की वैल्यू आपको दे रखी है ना, कुछ ऐसा क्या पता नहीं एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, बट आप मैंने इनको बताया था इससे पहले आप अल्फा निकाल लें। 1 + I की कंसंट्रेशन दे रखी हो, KI की वैल्यू दे रखी हो उससे क्या होगा कि फैक्टर अल्फा निकाल लिया तो फैक्टर अल्फा से आप और कौन सा इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फैक्टर अल्फा निकाल लिया तो आपकी एम डैश जो दे रखी है वो अल्फा टाइम्स ऑफ के एम होती है। आपके आपने अगर अल्फा निकाल लिया तो फिर के एम डैश भी निकला हुआ तो के एम निकल जाएगा और के एम निकल गया तो फिर आप वी जीरो इक्वल टू वी मैक्स ये इक्वेशन इस्तेमाल करके सबस्ट्रेट बाय के एम प्लस एस इस्तेमाल कर फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था मुझे अंदाजा नहीं है बट कुछ इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता था, ऐसा मैंने आपको एंजाइम्स के साथ कहा था कि अगर आप के एम डैश दे रखी है तो के एम डैश मतलब मॉडिफाइड के एम दे रखी है जो ऑब्वियसली बड़ी हुई होगी उससे और एक्चुअल के एम निकाल लो और एक्चुअल के एम निकाल लो तो फिर उससे आप वी जीरो निकाल सकते हो या इवन इनहिबिटर की प्रेजेंस के अंदर अगर पूछा है तो फिर वी जीरो डैश निकाल लो। वी जीरो वुड बी इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर और वी जीरो डैश भी निकाल सकते हो। वी जीरो डैश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वी मैक्स एस और के एम डैश प्लस एस हो जाएगा है ना। ये सिंपल सा आप एक्चुअल क्वेश्चन क्या था वो आप जाने। ये अभी अंतिम वार में हुआ था ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्राफ कंपैरिजन था सर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ होगा ग्राफ आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। ग्राफ से एक्चुअली वैल्यू के एम और के एम डैश की पता चलेगी। ये कोई क्वेश्चन था ये भी बड़ा अजीब सा मुझे नहीं समझ में आया। प्रांशु सर फेवरेट है स्नेल मेरे भी फेवरेट है प्रांशु सर तो सबके विशाल सर के भी फेवरेट है पर प्रांशु सर के फेवरेट कौन है पता है विशाल सर है पता है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली स्नेल के फेवरेट भी कौन हो गए विशाल सर हो गए और विशाल सर के फेवरेट कौन है केसी सर है। इसका मतलब स्नेल के फेवरेट हो गए केसी सर पर मेरे फेवरेट वापस कौन है सर आप। फिर वो सही है फिर वो सही है। ये दुनिया घूम घूम के एक ही जगह बिल्कुल मिलाकर फाइनली गाड़ी आप पे रुकती सर वापस आकर। यस सर क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम पे एप्टीट्यूड सेशन में लेंगे ठीक ओके। तो मानसून इन वेस्टर्न घाट मूव्स फ्रॉम साउथ वेस्टर्न घाट टूवर्ड द नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट। ओके वेस्टर्न घाट में साउथ वेस्टर्न घाट से नॉर्थ वेस्टर्न घाट की तरफ जाता है। देन रिवर्सेस टू वापस ऐसे वापस रिटर्न होता है साउथ वेस्ट ऐसा भी आ जाता है। Also on southern part there is effect of northeast monsoon। अच्छा northeast monsoon का यहाँ पर असर और पड़ता है। बिल्कुल सर बिल्कुल ऐसा ही मिजोरम वाली बारिश भी यहाँ पर और आती है। Which of the following is outcome? Seasonal variation is high in southwestern Ghat. Northwestern Ghat has species which has faced a large dry phase. Southwestern Ghat has high species। अबे देखो भाई ये तो अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। सर ये मैंने ना अच्छा इसमें बताओ क्लासरूम वाले कौन कौन है सर। इनको मानसून का भी मैंने एक बार ऐसे ही बता दिया हाँ कि मानसून कैसे जाता है और कैसे जाता है ना एक बार ऐसे ही बता दिया था मैंने मानसून का। भाई देखो नक्शा मैं तो यूं रफ बना रहा हूँ ना इसका कोई लेना देना नहीं है ठीक है। और मानसून है ना इसका कोई किसी तरीके का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाएगा ये मेरी ड्राइंग खराब है। बाकी भारत का नक्शा थोड़ा और बड़ा बना लेते सर दूसरे टापुओं को भी अपन ले लेते फिर कोई केस नहीं करेगा अपन को है ना। इधर वाला भी एरिया अपन ले लेते सारा एरिया अपना है ठीक है। बात यह है कि मानसून यहाँ से ऐसे जाता है ना सर ऐसे घूमकर फिर वापस लौट कर ऐसे आता है यही बात हुई और थोड़ा सा इधर से घूमकर फिर पता नहीं वो वापस लौट कर ऐसे जा सकता है इधर से सर वो हल्का कश्मीर के साइड से पाकिस्तान निकलता है भी ऐसा होता है। पर इसका क्या क्वेश्चन था एक्चुअली वो समझ में नहीं आएगा नहीं समझ में। चलो ऐसा कुछ क्वेश्चन था आप जानो आपका काम जाने लाइक करते रहो। असबाब जिंदगी सीजनल वेरिएशन आपको क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करनी है ना आप 26 से ज्वाइन कर सकते हो। क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट हो रही है न्यू बैच स्टार्ट हो रहे 26 से तो आप पुणे एंड जोधपुर दोनों लोकेशंस के ऊपर कहाँ पे भी आप क्लासरूम कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। अरुणा के फेवरेट है केसी सर हाँ मतलब केसी सर के फेवरेट है प्रांशु सर। प्रांशु सर के फेवरेट है विशाल सर इसका तो विशाल सर फेवरेट इनडायरेक्टली अब मतलब उसको समझ में आ गया है कि इनडायरेक्टली विशाल सर का कैसे कहना है सर। अभी वो क्या बोलेंगे पता है अच्छा विशाल सर अभी विशाल सर बोलेंगे मतलब वो आपकी तरफ आ जाएंगे नहीं वो फिर वापस अटक इज माय फेवरेट आगे ठीक है। चलो पार्ट सी में कोई क्वेश्चन था जिसमें बायोस्टैट्स में मैचिंग करनी थी ऐसा बच्चों ने कहा कि एनोवा क्या करता है। तो एनोवा का बेसिकली 2-3 या 3 से ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी मीन को कंपेयर करता है ना। बाकी के कोई ऑप्शंस कंपेयर 3 और मोर पॉपुलेशन मीन और ऑप्शन में क्या था भगवान जाने क्या था पॉपुलेशन मीन स्टैंडर्ड एरर बेसिकली ये मीन के आसपास जो डेविएशंस हैं वो किस कॉन्फिडेंस तक हम अलाउ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, है ना, मीर के आसपास। रितु वेलकम है ना, आओ ना बच्चों। देखो ऑनलाइन के लिए तो आप कल शाम को 5 बजे बस मेरे साथ जुड़े, सभी तरीके की चर्चाएं करेंगे ज्वाइन जिनको करनी है। एक क्वेश्चन था सर कि इनमें से कौन सा आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, नहीं अच्छा आयरन बाइंडिंग प्रोटीन का मैच करना था, ये वही सर कुछ आ गया होगा। अपन बात कर रहे थे ना फेरिटिन का काम क्या है, ट्रांसफेरिन का काम क्या है, ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड के अंदर, फेरिटिन है वो सेल के अंदर स्टोर करके रखता है। उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन रहे होंगे, बाकी 2 इन्होंने ऑप्शन बताए फेरिटिन एंड ट्रांसफेरिन, है ना। तो फेरिटिन का काम तो बेसिकली एक पक्का सेरुलोप्लाज्मिन भी लिखा होगा, हाँ। पक्का लिखा होगा, क्या लिखा होगा सर? सेरुलोप्लाज्मिन, CERULO प्लाज्मिन, ऐसा भी था क्या? सेरुलोप्लाज्मिन था, मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्का होगा। और एक चौथा और भी होना चाहिए पर वो बच्चे बताएंगे तो ना, हाँ। तो ये तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये फेरिटिन क्या करेगा सर? स्टोरेज करेगा सर। सेरुलोप्लाज्मिन क्या करेगा सर? कॉपर का ट्रांसपोर्ट। तो ये आयरन बाइंडिंग प्रोटीन से रिलेटेड क्यों था? तो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन से फिर तो कॉपर का ट्रांसपोर्ट। कॉपर को सर ये सेल को ज्यादा कॉपर ना मिले उसमें कुछ मदद करता है ये, यहाँ पर सेरुलोप्लाज्मिन। अब सही ढंग से आए तो फिर यस सर था, देखा मैंने बताया सेरुलोप्लाज्मिन नहीं था। अरे सर इनको 4-5 मैं जब ये अंतिम बार पढ़ा रहा था ना, अरे रेड क्वीन हाइपोथेसिस भाई क्या बात है, सीधी बात, नो बकवास। रेड क्वीन डायनेमिक्स बहुत शानदार डायनेमिक्स, मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ सर, है ना। रेड क्वीन डायनेमिक्स का सर मैं हमेशा बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में बार बार उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको अपनी जगह बनाए रखना है तो हमेशा दौड़ना पड़ेगा। लोग ये सोच रहे ना कि मैं दौड़ रहा हूँ तो कहीं आगे पहुंचूंगा, नहीं, दौड़ना आपको इसलिए है ताकि आप अपनी जगहों पर बने रहो। अभी आपको पता नहीं होगा कि प्रांसुर ऐसे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तब वो इस जगह पर है। अगर प्रांसुर ने यहाँ पर दौड़ना बंद किया तो पिछड़ कर कहीं पर मुझसे कहीं पर पीछे चले जाएंगे। और विशाल सर के भी पांव चल रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम आगे नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम कहाँ पर हैं? अपनी जगह बने हुए हैं। इसे कहा जाता है रेड क्वीन डायनेमिक्स, है ना, कि कुल मिलाकर समय के साथ हमें चलना पड़ता है। अगर आप समय के साथ नहीं चले, आपने विश्राम कर लिया, तो दुनिया तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगी और आप अतीत हो जाओगे, फास्ट हो जाओगे। टू होल्ड योर पोजिशन यू हैव टू रन। यस, मैं परवेज बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बेहतरीन, बहुत बढ़िया होगा। तो तन्वी सुबह के टाइम में न्यूमेरिकल नहीं था तो खुशी की बात थी, इतना उदास चेहरा क्यों बना रही हो बेटा? तुम्हारी एक जने की खुशी के लिए हम बाकी 99% लोगों को नाराज थोड़ी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नहीं थे तो 99% लोग खुश थे, बाकी लोगों ने मिठाइयां बांटी पूरे गांव में। जो भी न्यू स्टूडेंट आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड लाइक करना मत भूलना। देखो लाइक कितने कम है, ऐसे क्यों करते हो आप लोग? सर वो सिर्फ कहते हैं कि मैं विशाल सर को पसंद करता है, कुछ नहीं, सिर्फ कमेंट करना, बाकी कुछ नहीं। लाइक के लिए इतना कंजूस है, सब्सक्रिप्शन के लिए इतना कंजूस है, हाँ, सब्सक्राइब भी नहीं। बस ये क्वेश्चन था विशाल सर की, क्वेश्चन ऑन फ्रैगमेंटेशन ऑफ वन मोर कंप्लीट जंगल। ओह, जंगल को मतलब जंगल था उसको फ्रैगमेंट कर दिया, मतलब ऐसे रोड बना ली, चलो है ना, ऐसे टुकड़ा कर दिया उस जंगल का। And then comparative options were that for species richness and what would effect on the size. ऐसा क्या? तो fragmentation करने पर तो species richness घटती जाएगी सर। हाँ सर, बिल्कुल, है ना, क्योंकि फ्रेगमेंट अगर कर दिया तो टोटल एरिया की तो बात कर नहीं रहे। अगर कुछ ऐसा होता ना कि फ्रेगमेंटेशन करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करने पर क्या होगा, स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, ऐसा कुछ ग्राफ था, ऐसा कुछ ग्राफ था। क्या ग्राफ था वो तुम जाने, बताओ। राम क्या कह रहा है? हम कह रहे हैं कि सर बॉटनी वालों को गेट, एक्सेल, लाइफ साइंस और इकोलॉजी एवोल्यूशन दोनों अलग अलग एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा या एक ही में दोनों ऑप्शन बन जाएंगे? नहीं, दो फॉर्म तो एक ही होगा पर उसमें आपके पास चॉइस 1 और चॉइस 2 होती है ना। वहां पर एग्जाम सेंटर में आप जाओगे तो आपको एक ही फॉर्म में दो, अच्छा हाँ वो तो सर सेक्शन की बात कर रहे हो। फिर क्वेश्चन कोई था, पी डिग्री का क्वेश्चन था, एंजलमैन सिंड्रोम का, ओहो 15th क्रोमोसोम की पी आर्म का, है ना, विद पैटर्नल इम्प्रिंटिंग, बहुत अच्छी बात है। एंजलमैन सिंड्रोम पता है सर, मम्मी की तरफ से होता है, मम्मी की तरफ से डिलीटेड क्रोमोसोम इम्प्रिंटेड रीजन रहता है, और पापा की तरफ से डिलीटेड क्रोमोसोम आए तो उससे सिंड्रोम हो जाता है, जी नहीं पाता। अच्छा, ओ इसके अंदर भी सर ओनली कैरियर वर मार्क्ड, मतलब ये कोई ऐसा सवाल था सर, अब वो तो पूरा सवाल ही नहीं है, शायद ऐसा कोई पी डिग्री का चार्ट था क्या बच्चों, ऐसा ही कुछ था क्या, ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा ऐसा करके, और फिर कुछ उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की बात थी, तो ये तो अब नहीं कर सकते भाई। अच्छा ग्राफिकल आया था क्या? हाँ महिमा कैसा हुआ बेटा? जिवलिन बिलोंग टू व्हिच काइंड ऑफ टर्पिन, डाई टर्पिन बेटा आएगा अभी, वो भी आएगा, वो भी आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था, ओके लाइन व्यूअर वर्क एंड ईडी हॉप्सी प्लॉट गिवन ऑन द वैल्यूज रिप्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, इट वाज आस्क्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट वन, बोथ प्लॉट्स हैव डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन व्हिच बोथ द एक्सिस। ये क्या बात हुई, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं इसमें, पता नहीं कवि क्या कहना चाहता है, पर फिर भी मेरे हिसाब से अगर लाइन व्यूअर वर्क प्लॉट के अंदर इस एक्सिस पर जनरली 1/s होता है, इस एक्सिस पर 1/v0 होता है, और ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, और अगर ईडी हॉप्सी की बात है तो उसके अंदर जनरली आप देखेंगे कि इधर की तरफ v0 होता है, इधर तरफ v0/s होता है, इस तरीके की लाइन आती है, ये वाला पॉइंट vmax होता है, कुछ ऐसा होता है, स्लोप है वो -km होता है। अब इसमें बाकी तो कवि जाने कवि क्या कहना चाहता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है ना, और ये वाला पॉइंट -1/km है। तो ये मैंने दो ग्राफ बना दिए, लाइन व्यूअर वर्क और ईडी हॉप्सी। राहुल कह रहे हैं ग्राफ नहीं था, दीपा कह रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन है, चलो फालतू है, किसने लिखा गलत लिखा, क्यों मेरे दोस्त गलत क्वेश्चन क्यों लिखा, ऐसा कोई ग्राफ नहीं था, चलो अच्छी बात है। फिर एक क्वेश्चन था, चलो नहीं था तो नहीं था। अगला क्वेश्चन कि कोई दो जीन्स हैं, 2 जीन्स रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल जीन्स टू ब्लू कलर फ्लावर। ओके, एक कोई रेगुलेटरी जीन है और एक कोई स्ट्रक्चरल जीन है, और उसकी वजह से ब्लू कलर का फ्लावर आता है, डिक्सन फ्लावर। If either gene recessive then white color. Okay. अगर small r और कैपिटल L है, कैपिटल R और स्मॉल s है, तो उस कंडीशन में भी व्हाइट कलर आता है। ओके okay, ऐसी बात कही गई है। एंड म्यूटेंट recessive. क्रॉस बिटवीन व्हाइट फ्लावर्स गिव्स अ ब्लू कलर। इसका मतलब आपका पास एक फ्लावर स्मॉल r कैपिटल S ऐसा फ्लावर रहा होगा, r r s s मान लेते हैं, दूसरा स्मॉल r कैपिटल S, इसलिए वह आपका ब्लू फ्लावर देगा। ठीक है, क्या हो गया सर? सर वो CSIR वालों को पता चल गया क्या, हिरन को हाँ, ये विशाल सर के हिरन के बारे में पता चल गया। अच्छा तो इसलिए ही पूछ लिया, हिरन के बारे में पूछ लिया सर। ओ हिरणों को हिरन के बारे में पूछ लिया, और बहुत बड़ा जोक हुआ, और वो भी यहाँ पे। हिरन कोई काली हिरन पे क्वेश्चन था। हमारे आसपास तो हिरन खूब घूमते रहते हैं, थैंक्स टू विष्णोई कम्युनिटी, क्योंकि वो इनका प्रोटेक्शन करते हैं। हमारे घर के आसपास भी थोड़े से दो मिल ही जाएंगे आपको। तो रियली मतलब ये सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं है, वो काफी एक्टिव भी है कंजर्वेशन के मामले के अंदर, मतलब सोच भी नहीं सकते। इंसान को आप एक बार लठ मार लो, पर यहाँ पर काले हिरण को आपने प्यार से गाल को पर हाथ भी फेरा ना, तो आपके ऊपर लठ पड़ने शुरू हो जाएंगे, वेरी अग्रेसिवली दे सेव। तो अच्छा वो बता दिया सर, और सिर्फ हिरणों को ही नहीं सर, मतलब दे एक्चुअली कंजर्व कंप्लीट फ्लोरा एंड फौना। पेड़ भी नहीं काट सकते सर आप, उनके पता चल जाए ना, आपने खेजड़ी प्रोसेस सिनेरिया को काट लिया तो फिर आप कट गए सर, मतलब और अच्छी बात है सर, दैट इज अ काइंड ऑफ देयर मींस कि फ्लोरा और फौना को कितना ध्यान रखा जाना चाहिए, कंजर्व कर रहे हैं ताकि हम बचे रहें। बिल्कुल सर, मोरों को बाकी सब बर्ड्स को, मतलब जहां जहां विष्णुई कम्युनिटीज के विलेजेस है सर, वहां का फौना हमेशा फ्लरिश करता हुआ दिखाई देगा आपको, और आसपास सब दूर भागेंगे उस जगह से। और ज्यादा अगर नहीं है तो एक सलमान खान से पूछ लेना। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट सलमान खान, ही विल टेल यू इन मोर डिटेल। ठीक है, क्रॉस करने पर ब्लू कलर आया। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ब्लू एंड व्हाइट प्रोपोर्शन ऑफ द बैक क्रॉस। ओके, इसका मतलब ये ऐसा ऐसा था। बैक्रॉस का मतलब आपके पास आर आर एस एस का स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल एस के साथ किया तो मेरे पास क्या आ जाएंगे आर स्मॉल आर कैपिटल एस स्मॉल एस आ जाएंगे। फिर आपके पास फिर तो आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल एस स्मॉल आर आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल एस हो जाएगा ना। आर और एस आ गया एक बार कैपिटल आर और स्मॉल एस आ गया और स्मॉल आर और स्मॉल एस आ गया दोनों हैं तो ये आ जाएगा आपका ब्लू कलर फ्लावर। अगर ये बात सही है तो मुझे नहीं पता कि और नहीं तो ये आ जाएगा वाइट कलर ऐसा कुछ था क्या 3:1 आंसर में वाइट 3 और ब्लू 1 ऐसा था क्या मेरे हिरणों ऐसा था कुछ। आपको भी कंजर्व किया जाएगा चिंता मत करो। बताओ ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखो दूसरे की थाली के अंदर ज्यादा घी दिख रहा है इसको ये थोड़ी एक्स वाई जेड को ऐसा कुछ था। तो फिर अगर ये प्रश्न ऐसा है तो ठीक है चलो ओके तो फिर आंसर 3:1 आ जाएगा। अरे हाँ बैक क्रॉस बोला था टेस्ट क्रॉस नहीं बोला तो टेस्ट क्रॉस इज आल्सो टाइप ऑफ बैक क्रॉस बेटा। नहीं तो अगर बैक क्रॉस करोगे किसके साथ बस रेसेसिव पेरेंट के साथ टेस्ट ये लिखा होगा कि बैक क्रॉस विद अ रेसेसिव पेरेंट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। ओके चलो आगे बात करते हैं। ये कोई क्वेश्चन था ग्राफ बिटवीन लॉग एक्स एंड लॉग वाई एंड 4 स्क्वायर्स क्या ग्राफ बिटवीन लॉग एक्स एंड लॉग वाई एंड 4 स्क्वायर्स गिवन with 1 unit dimension and it was asked which has the largest area। ठीक है ऐसे ऐसे कुछ दे रखे थे क्या भगवान जाने ऐसे 4 बक्से दे रखे थे क्या ऐसा क्वेश्चन था भगवान जाने भाई। only you knows हमारे भगवान वही है ना बच्चे भगवान के रूप होते हैं सर। हाँ सर तो आप जानते हैं। आगे देखते हैं ये आ गया लो सर अब तो जान ही गए होंगे। ब्लैक बक प्रोटेक्टेड बाय विच सेक्शन ऑफ पीपल एक्चुअली सेक्शन क्या होता है कम्युनिटी होता है होना चाहिए सेक्शन नहीं होता कम्युनिटी इन इंडिया ये होना चाहिए ना तो आंसर होना चाहिए विश्नोईज है ना। और दोस्तों एक यहाँ पर और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कि ऐसे एरिया जहाँ पर कोई गवर्नमेंट की दखल अंदाजी नहीं होती बल्कि वहाँ का जो समुदाय होता है वही अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाकर उस एरिया को प्रोटेक्ट या कंजर्व करता है उन एरिया को सैक्रेड ग्रूव्स कहा जाता है ना। अच्छा सैक्रेड ग्रूव्स जहाँ पर आप अध्यात्म के साथ जुड़े हो ना। पीपल को नहीं काट सकते तुलसी को आप नहीं काट सकते। ये चिपको आंदोलन के बाद जो है बहुत बड़ा इस चीज में आ गया था। हाँ बिल्कुल चिपको आंदोलन तो सर दूर हुआ था हमारे यहाँ पर बहुत पास में ही। चिपको आंदोलन से भी खतरनाक आंदोलन हुआ था हमारे यहाँ पर। अमृता देवी जी ने किया था पास में ही है सर वो गुड़ा विष्णु सर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से मिलेगा? ये लो कॉन्टेक्ट नंबर इतना बड़ा बड़ा 91722688 और कल भूलिएगा नहीं कल शाम को 5 बजे जो सेशन होने वाला है उसको मत भूलिएगा आप। ठीक है चलो XYZ PQR की तरफ से ये कहना है कि टफ नाम की कोई चीज नहीं होती। सिर्फ बात करें तो अपने आदरणीय संजय बाबा की जुबान में सिर्फ केमिकल लोचा है। हाँ ये आप उस एग्जाम के दौरान क्या सोच रहे होते हो कौन से सीरोटोनिन रिलीज हो रहा होता है डोपामिन रिलीज हो रहा होता है वह तय करता है कि आपको ये पेपर किस प्रकार का प्रतीत होगा। और आप जो पढ़ करके गए हो उसमें से मिल गए तो कहोगे कि इजी था। और जो पड़ोसी वाला पढ़ करके गया है आप नहीं पढ़े थे पेपर टफ था उसको अलका कह रही है काफी घुमा के क्वेश्चन थे सर, कुछ क्वेश्चन तो यूं मतलब कंप्यूटर के चारों तरफ से घूम कर फिर वापस वहां पर आ रहे थे। घुमा कर क्या होता है बेटा, होता है अलका। और जो क्वेश्चन घुमा कर होते हैं एक्चुअली वो बहुत इजी होते हैं। हमें तो लास्ट पॉइंट को पकड़ो ना, घुमाने दो ना कि इधर गया था उधर गया था उधर गया था उधर गया था इधर गया था। अब से आप तो पकड़ो ना जिंदगी में। यही तो इनको बताते हैं सर, क्वेश्चन सॉल्व करते समय यही बताया आखिरी लाइन देख लो, नहीं तो पहले 3 लाइन पढ़ने के बाद चौथी लाइन पे भूल जाओगे कि ऊपर क्या कहा था। पढ़ना ही क्यों है उसको। विशाल सर आपके लिए क्वेश्चन आया है। यस सर। कि टेट्रापोड लिम्फ डेवलपमेंट में जो डिजिट है उनके बीच में जो फ्लैप होता है उसके एपोप्टोसिस करने वाले कौन सा जीन है। ये कुछ अब एक्चुअल पूरा क्वेश्चन तो नहीं दिया। अब इसमें एपोप्टोसिस मीडिएटेड बाय ये है या प्रिवेंटेड बाय है ये नहीं लिखा, बट मीडिएटेड बाय होता तो क्या देते सर। मीडिएटेड होता है तो सर बीएमपी होता है, बीटा-कैटेनिन होता है, एफजीएफ होता है। इसमें तो सारा ऑप्शन दे रहे हैं, सारे ऑप्शंस दिए ना सर। बीएमपी हाँ, सोनिक हैजॉग भी दे रहा है। क्या क्या क्वेश्चन क्या था, पाथवे पूछा था पूरा डायरेक्ट ऐसा बोल रहे थे या पाथवे दिया था, ऐसा तो होना चाहिए ना, पाथवे होना चाहिए एक्चुअल। अब ये क्योंकि एक्चुअल मुझे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लग रहा, दिस इज अ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। सर इन लोगों को तो हम बताते बताते थक गए हैं। ये कह रहे हैं कि सेल बायो के बहुत क्वेश्चन थे मॉर्निंग में। अरे बोलना है सर इस बात पे क्या सर, एक बार और बोल दो सर। अरे 101 भी बात ठीक है। देखो सब यूनिट से बराबर क्वेश्चन आते हैं, आपको सेल बायो दिखाई दे रहा होगा, आप बार बार उसको ढूंढ रहे होंगे, लेकिन सब यूनिट के बराबर क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा कम नहीं होता। और अगर होगा अंतर तो ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन का, यानी 6 के बजाय किसी यूनिट से हो सकता है 5 आ जाए, बाकी सभी यूनिट से 6-6 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। गायत्री नहीं तुम्हारे नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नहीं 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 चलेगा ये स्टेटमेंट, मुझे मैं इसको डिलीट करो अभी अभी। नहीं गायत्री एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। 25 इससे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं एक्सपेक्ट क्या सर, ये कर रही है तो अच्छी गायत्री का वो होने वाला है उसका फर्स्ट टाइम तो वही जाएगा। उनको सर अपने एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन बड़ा कर दिखना चाहती है कि सर को कैसा लगता है। अरे नहीं गायत्री हमारा हमारी धड़कन नहीं बढ़ेगी, हमें पता है तूने अच्छा किया है बेटा, हम मान ही नहीं सकते। गलत तो होगा नहीं। ओह तब तो ये S3 का वेरिएंट है, ये क्वेश्चन भी होगा सर। सेंट्रोमियर ए वाला प्रोटीन ओके वो तो है, S3 का वेरिएंट है वो भाई, वो तो उसको रिप्लेस किया जाता है। सेल व्हिच कैन रिस्पोंड टू सिग्नल इज बेस्ट डिफाइंड, तो कॉम्पिटेंट कहेंगे सर है ना। अगर वह सेल जो कि रिस्पोंड कर सकता है किसी के साथ उसे कॉम्पिटेंट कहा जाएगा। बिल्कुल नेहा नहीं एनवायरमेंटल साइंसेस की बेटा अभी कोई क्लासेस इस पे नहीं है, बट जो लालजी सर और बाकी टीचर्स हमारे इकोलॉजी इवोल्यूशन पढ़ाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्शन कवर हो जाता है। आप देखिएगा इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं। आई थिंक थोड़ा सा जो सेक्शन है सीएसआर से अलग वाला वो आप सेल्फ प्रिपेयर कर लें, अदरवाइज जो इकोलॉजी और रेस्ट ऑफ सेक्शंस हैं वो इस चैनल से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। गायत्री ओमनी परसिस्टेंट है, कहीं पर भी रह सकती है। तो तुम वहां क्या कर रहे थे और तुम भी वहां पर देख रहे थे क्या, और वहां क्या कर रहे हो, आओ इधर आओ, इधर आओ सबको और बाकी लोगों को भी लेकर आओ, वहां क्या कर रहे हो, वहां जा जाके देख रहे हो कि वहां कौन कौन है, कौन कौन है, आ जाओ चुपचाप, चलो इधर पढ़ो। हमारे बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं घूमने फिरने गए, ये हिरण है वास्तव में आपके हिरण है, बोले हिरण टिकते नहीं है। ये बता रहे हैं कि गायत्री कहाँ थी भाई, तुम वहां क्या कर रहे थे, तुम इधर आके पढ़ो। सर वो चारा यहाँ का खाएंगे, पानी उधर पे देंगे, चारा यहाँ पे खाने आएंगे। और फिर सर एक और भी होता ना उसके बाद, कुछ और खाद कोई और कहीं और को देकर आएंगे। वो तो अलग ही, मतलब वो मालिक अलग ही होता है, इसका मालिक अलग ही है। हाँ। मतलब फर्टिलाइजर किसी और को मिल रहा है, ये गलत बात है ना। राम का लास्ट बार वाली मेरी मैथ्स काफी काम आई थी, इस बार वाली क्यों नहीं देखी बेटा, इस बार वाली देखी तो और इस बार वाली और ज्यादा काम आती। सही में इस बार वाली और ज्यादा काम में आती, इस बार वाली तो बहुत है। पूजा कह रही सर फ्रॉग का नॉगिन का जीन आंसर सही है ना, क्वेश्चन तो बता बेटा। मैं बता नागिन वाला क्वेश्चन आया था क्या, नागिन, नागिन का कैसे पता चलेगा, नागिन का क्वेश्चन आया था। चलो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर एंड सिग्नलिंग फंक्शन, अच्छा मैच करना सर, अब इसमें क्या मैं मैच करूं तो समझ नहीं आता। डब्ल्यूएनटी का सिग्नलिंग पाथवे में रिसेप्टर की या आरटी के रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, जूनस जेनस काइनेज है, तो इसमें क्या बात हुई ऐसा होगा सर, सिग्नल भी कुछ ये एनआरटी के होगा ऐसा। सर उसमें वो रिसेप्टर दिए थे सर, सिग्नल एंड रिसेप्टर, तो विंड का रिजल्ट होगा रिजल्ट, हां फिर तो आरटीके का फिर सिग्नल ग्रोथ फैक्टर कोई दे रखा होगा, कोई मान लो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो गया, नर्व ग्रोथ फैक्टर हो गया, इंसुलिन हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो जूनस जेनस चाइनीस का साइटोकाइंस हो गए, बिल्कुल साइटोकाइंस हो गए, ऐसा कुछ रहा होगा फिर, है ना, इंटरल्यूकिन्स वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है, वो वाला ऐसा कुछ हो। अब डायरेक्ट था शायद वो क्वेश्चन, ये जेनस काइनेस का भी मैच द फॉलोइंग का शिफ्ट टू में डाउन बायोलॉजी जी थी जियोती का। एक बार बेटा पेपर आने दे फिर बात करेंगे ना अपन। तूने कंपेयर कैसे कर लिया दोनों जगहों पर? जो लोग नए आए हो ना, अभी जो कमेंट आ रहे हैं ना, हमसे पता चल रहा है, आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना, और वो 26 तारीख वाला बैच याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना उसको। बैच स्टार्ट हो रहा है और हम तो आपसे फिर रूबरू मिलेंगे डायरेक्टली। तो बेटा एक बार पेपर आने दो, हम बताएंगे ना, अभी तो सिर्फ अपन एनालिसिस कर रहे हैं, आप जो कह रहे हो हम आपस में एक दूसरे का सुख दुख साझा कर रहे हैं ना, एक बार पेपर आने दो तभी पता चलेगा कि कौन सा पेपर टफ था। ये तो अभी कंप्लीट जो आपकी मेमोरी है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। सर मुझे तो लगता है 26 के बैच में बहुत मजा आने वाला है। अरे जानदार, ये सारे अपने हिरण आने वाले, हिरणों के भाई आने वाले, बहने आने वाले, हिरणों के भाई बहन आने वाले हैं सारे के सारे, मतलब और सर शुरुआत भी तो आपसे हो रहा है सर। हाँ, अरे वाह। बहुत मजा, पहला लेक्चर ही तो आपका ही है, मतलब आपके बहुत मजा करेंगे हम। आप आ जाना उधर। अच्छा पहला लेक्चर आपका है ना, डेवलप बायोलॉजी, सारे हिरण तैयार रहे फिर डेवलप बायोलॉजी को डेवलप होने के लिए, कूद करके हिरण आ जाए जल्दी से, आप पहले उनकी डेवलपमेंट करेंगे सर। और वैसे भी हिरणों का झुंड बहुत बड़ा होता है, तो एक का इनका सिलेक्शन हो गया तो बाकी झुंड को बताना जरूरी है ना, ये नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। खैर ये कोई क्वेश्चन था, कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल 4 ऑरेंज, है ना, 5 एप्पल प्लस 4 ऑरेंज प्लस 2 बनाना 250 रुपए था, ऐसा कुछ था, इतना खतरनाक। 5 एप्पल 4 ऑरेंज 2 बनाना 250 रुपीज था। 6 एप्पल, ओहो 6 एप्पल 2 ऑरेंज प्लस 5 बनाना, इतना डेंजरस थी। XYZ 3 की इक्वेशन थी, 180 रुपए है, 180 रुपए में मिल रहा था, ये 250 रुपए में मिल रहा था। क्या आंसर निकाला इसका? आंसर आता तो फिर क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ, तो फिर 5 ऑरेंज एंड 8 बनाना का क्या प्राइस हो गया? तो बड़ा डेंजरस सवाल बनाया था सर, सीधे पूछ रहे थे भैया बनाना कितने में थे भाई। जब ये इन वेजिटेटर से पूछ लेते कि भाई ये तुम 250 रुपए बता, पर 5 के कितने, इसके कितने, इसके कितने, अलग पूछ लेते भैया एप्पल कितने में दिए, पूछ लेते सर। 8 बनाना फॉर 850, ठीक है, तो ये हो गया 5 नहीं, क्वेश्चन नहीं, ये मैंने देख लिया एनालाइज करके, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी, मैं अब इसको सॉल्यूशन बता देता। हाँ सर, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ, एग्जैक्टली है, बाकी तो मैं भी बता देता भाई। ऐसा क्वेश्चन था तो आपको सीधा इंटरव्यू पूछ लेना चाहिए था कि मुझे अलग अलग बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। एप्पल कितने में दिए सीधे पूछना था, क्योंकि इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेना हो एप्पल भैया बताओ, ले नहीं तो आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे सीधे। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन और था कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इन रेप्लिकेशन यूजेस एटीपी हाइड्रोलाइसिस, मतलब एटीपी हाइड्रोलाइसिस कहाँ होती है? अब इसमें ऑप्शन देखो, इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन तो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होती, हेलिकेज को चाहिए होती है सर, उसको तो लगातार मूव करने के लिए चाहिए, क्लैम्प लोडर को भी चाहिए होती है सर, बिल्कुल है। और ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट लाइगेशन के अंदर, लाइगेशन सर वहां पर है, लाइगेशन की बात कर ली तो डीएनए लाइगेज काम करेगा। हाँ बिल्कुल। अब ये क्या कहना चाहता है ये मुझे समझ नहीं आता, एटीपी का इस्तेमाल तो कर ही लेगा, पता नहीं कहाँ के लाइगेशन की बात है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट है, मतलब ये कुछ मतलब कंफ्यूजन है, और दो स्टेट में तो वैसे ही मिल रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन वापस संदिग्ध है। अब इसमें से आप बताओ कि किस तरह का था, मतलब देख लेना, हमने तो बता दिया है कि कहां पर यूज होगा। फार्मेसी वर्ल्ड कह रहा है ऑप्शन देखिए सर जो मैंने भेजे हैं, फार्मेसी ने क्या भेजे ऑप्शन, अभी भेजे होंगे, अरे फार्मेसी वर्ल्ड ने क्या भेज दिया? अच्छा फिर से भेजना, आप भेज देना, कॉपी पेस्ट कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना फिर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, चलो ये कुछ बायो ऑगमेंटेशन से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट बस इतना सा दिया कि एक क्वेश्चन बायो ऑगमेंटेशन पर था। तो बायो ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? बायो ऑगमेंटेशन का मतलब जहां कहीं पर भी हम उपचार करना चाहते हैं, जहां पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं ताकि वो उनको बायोडिग्रेड करे और उस जगह को पॉल्यूशन मुक्त करे। अब क्या एक्चुअल क्वेश्चन था वो पता नहीं, बट बायो ऑगमेंटेशन का मतलब क्या था वो बताया। नॉट यूज एटीपी हाइड्रोलाइसिस, नॉट यूज एटीपी हाइड्रोलाइसिस, तो फिर तो ये हो गया फॉस्फोराइलेशन बॉन्ड फॉर्मेशन ही हो गया, यहाँ पर नहीं होता, बाकी तो तीनों होते हैं। चलो, म्यूटेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप 4 मार्क्स का था, बधाई हो, फिर तो 4 मिल गए सीधे। 180, अच्छा ये उनका वो वाला, अच्छा ऑप्शन था, हाँ। पर बेटा वो ऑप्शन तो आपने बता दिया, 180 था, 150 था, 210 था और बी इंटरमीडिएट का मतलब क्या। खैर, पर ये क्वेश्चन में मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और चाहिए बेटा फार्मेसी वर्ल्ड, तभी मैं कर पाऊंगा। अगला क्वेश्चन बायोगमेंटेशन के बाद कुछ था कि इन माउस मदर प्रो न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द जाइगोट, है ना, जाइगोट के अंदर मान लो एक पिताजी वाला न्यूक्लियस है और ये मदर वाला न्यूक्लियस है, उसको हमने हटा दिया। चलो हटा दिया, व्हाट कुड बी द पॉसिबल, अभी किसका जाइगोट है, माउस का है सर, इसमें वो तो बढ़ेगा ही नहीं, मिस डेवलपमेंट फेल, कुछ नहीं होगा उसका, डेवलपमेंट विल नॉट प्रोसीड। हाँ, क्योंकि अगर निकाल ही देंगे तो दोनों तरफ से चाहिए भाई, माउस का है। अब क्या एक्चुअल क्वेश्चन था वो, अच्छा यही क्वेश्चन था क्या आपका, ये क्वेश्चन आया था क्या, जरीता कह रही है कि हाँ सर 2 ऑरेंज और 8 बनना, कोई बात नहीं, वो तो मैंने क्वेश्चन आपके हिंट में दे दिया, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता था, आपको याद दिलाने के लिए हम ये सेशन चल रहे हैं कि भाई आपने हमारी मदद की, हम आपकी मदद कर रहे हैं। और बायोएग्मेंटेशन 6 नंबर का क्वेश्चन आया था सर, 2 कम पक गया था, 4 का व्यापार क्या सर, ये क्वेश्चन किसी ने लिख के भेज दिया सर, ये तो खुद ही बर्ड जेनेटिक्स पे काम कर रहा था, इस क्वेश्चन का तो आंसर खुद ही बता देगा सर। लर्न बर्ड जेनेटिक्स, बर्ड जेनेटिक, हाँ मतलब आप खुद इसमें, आई थिंक यू आर डूइंग रिसर्च इन दिस फील्ड पर, तो फिर तो आपको एट्रिशियल प्रिकोशियल एल्ट्रिशियल सब आपको पता होगा सर, तो इसका आंसर ही लिखिए दो। चलो आगे, ओहो हाउ कैन यू रेक्टेंगल आर्किटेक्चर, ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया मैं वापस बना, ये आपने तो क्या तरह भी किया था, पर क्या बता, तो बहुत झगड़े हुए थे, बहुत झगड़े हुए थे, किसने किए थे झगड़े, हम ही दिनेश सर और हमने, हाँ कितने रेक्टेंगल है, और दिनेश सर ने रेक्टेंगल है, ऐसे रेक्टेंगल काउंट करना है, बताओ कितने रेक्टेंगल है, इसके रेक्टेंगल काउंट करो, 1 2, पहले छोटे छोटे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने काउंट कर लिए। फिर हम काम कर लेते हैं, एक इसको गिन लेते हैं सर, है ना, 6 और 7 मिलाकर 1, 6 प्लस 7 का 1 और 7 हो गए, इधर इधर वाले दोनों 6 7 को 1 गिन लिया और 1 1 प्लस 2 को और गिन लिया, ठीक है सर, भी हो गया। फिर रेक्टेंगल और क्या बन सकता है सर, ये भी बन सकता है सर, 4 3 को मिला दें, 3 प्लस 4 को मिला दें और 5 4 को मिला दें, 5 प्लस 4 को मिला दें, ठीक है, और 1 5 प्लस 4 प्लस 3 को मिला दें, हाँ ठीक है, ठीक है। और सर 1 हम इसको, ये तो इसको सर मिला ही नहीं सकते तो बस इतना ही हो सकता है, एक सब ये हो सकता है, 1 2 1 इसको मिला देते हैं, 1 2 मिलाए हैं सर, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 पूरा इसको मिला दे, ऐसा कुछ था क्या, कितने हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 16 होगा, और कौन से मिला दिया, 16 कैसे, कौन सा क्या मिला दिया, और एक बड़ा वाला तो हो ही गया, और कौन सा बड़ा वाला, 13 ऑप्शन किया है मैंने, 16 कौन सा, कहाँ पे, और क्या इसके अलावा कौन सा बनाओ, लिखो उसका नंबर तो, मतलब कोई बात नहीं आपका सही हो सकता है, पर बताओ तो सही, वो 14 वाला कौन सा, 14 कौन किसको मानोगे, 15 किसको मानोगे, 16 किसको मानोगे, ये दोनों मिला के ये ट्रायंगल हो सकते ना सर, वो तो इसकी साइज देखो ना सर, साइज सेम नहीं है ना, ये ट्रायंगल नहीं हो सकता ना सर, ऐसे आप कहना चाहते हो ये ट्रायंगल ही नहीं है, मतलब ये रेक्टेंगल ऐसे कौन सा, हाँ ये हो सकता है ना सर, 1 और 14 और हो सकता है सर, देखो 3 4 5 प्लस 6 प्लस 7 3 4 5 6 और 7 एक और ये भी हो सकता है तो एक इधर भी हो सकता है बिल्कुल तो 16 हो सकता है ना। हाँ फिर एक हो सकता है 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 15 हो गए। अब 16वां एक और क्वेश्चन देखना क्वेश्चन कौन सा है वो बताना क्वेश्चन वाला। और क्या हो सकता है और कोई एक बताओ और किधर से क्या कर सकते हैं। 15 हो गए ना 15 तो हो गए 16 गिनवा रहे हैं सर। 16 कैसे होगा सर नहीं होगा 16 भी हो सकता है ना ये बच्चे बताएंगे अभी कुछ 1 2 3 4 5 एंड 3 1 2 3 4 5 ठीक है 5 तो हो गया एंड 6 7 3 पूरा वाला ले के सर हमने पूरा लिया है 13 में तो पूरा है ये कह रहा है ये किस 3 4 5 6 7 लिया 3 4 5 6 7 3 4 5 1 2 3 15 आए 16 कौन सा 16 कहाँ से आया 16 कौन सा आई ऑप्ट 15 हाँ 15 तो आ गए हमारे 15 तो आ गए। अब 16 कैसे निकालें कोई कह रहा कि 2 लाइन और थी मुझे तो 15 मिल रहा है 16 बताओ ना 16 बताओ 16 कौन सा ये ना आंख पे पट्टी बांध के ना सर मछली की आंख फोड़नी है सर 13 से तो ज्यादा हो गए सही है 13 से तो ज्यादा हो गए 14 भी हो गए 15 भी हो गए 15 हो गए। मनोज कह रहा है फिगर में 2 लाइन और भी है फिगर इज इनकम्प्लीट तो फिर तो पता नहीं कितने होंगे 2 लाइन और होंगे तो कितना है ये तो बता दो। अरे लाइन और बढ़ोगे ना तो फिर तो बढ़ जाएंगे तो रेक्टेंगल खूब सारे बढ़ जाएंगे नहीं अभी इतने हुए है ना भाई। 16वां आप मुझे नहीं पता है ना 16 मुझे नहीं पता मेरे हिसाब से तो 15 ही था ठीक है। तन्वी कह रही है तो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन था ये भगवान पूरा कहानी चेंज हो गई। शिवानी कह रही है 1 2 3 4 1 2 3 4 कर नहीं सकते बेटा वो रेक्टेंगल नहीं है 1 2 3 4 इज नॉट रेक्टेंगल क्यों लाइन तो है ही नहीं तो कि एक लाइन तो एक साथ मिली होनी चाहिए ना तब तो होता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनरेशन डज नॉट इंक्लूड डी डिफरेंशिएशन ऐसा होना चाहिए हाँ डी डिफरेंशिएशन री डिफरेंशिएशन ऑफ अ ब्लास्टेमा एंड इंक्लूड्स ओनली ग्रोथ ऑफ प्रेजेंट्स। ये तो सर उनमें से आ गया मॉर्फोलैक्सिस से आ गया होगा ना रिपैटर्निंग हाँ तो रिपैटर्निंग में वो होता है ना सर 3 होते हैं ना मॉर्फोलैक्सिस एक मॉर्फोलैक्सिस होता है और एक अपना एपिमॉर्फोसिस होता है एपी वाला हो गया और तीसरा कंपनसेटरी होता है सर। तो ये पहला वाला ही हो जाना चाहिए मॉर्फोलैक्सिस में रिपैटर्निंग होता है बट ग्रोथ नहीं होती मतलब आंसर मतलब ये होना चाहिए ना। ऑप्शन में क्या आता है वो तो पता नहीं ऑप्शन पता नहीं हाइड्रा वाला एग्जांपल हो गया ये क्या सकता है हाइड्रा वाला रिपैटर्निंग वाला और कॉम्पेंसेटरी में डिवीजन होता है सर हाँ, कॉम्पेंसेटरी तो लीवर वाला मतलब उन्होंने क्या दिया है ग्रोथ ओनली ग्रोथ दिया है सर तो वो कॉम्पेंसेटरी होना चाहिए ना। वैसे ग्रोथ क्या क्या वैसे रीजनरेशन डज नॉट इंक्लूड डी डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टेमा एंड इंक्लूड ओनली ग्रोथ इन प्रेजेंट सेल डी डिफरेंशिएशन और वो एपिमॉर्फोसिस अच्छा ओनली ग्रोथ इन प्रेजेंट सेल है तो फिर वो कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन वो लीवर वाला एग्जांपल हो जाएगा लीवर वाला अपना मैमलियंस का कॉम्पेंसेटरी ग्रोथ रीजनरेशन। मंजू कह रहे हैं कि आई जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज फ्रॉम लास्ट वीक एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प थैंक यू मंजू थैंक यू। तो मंजू बाकी लोगों को भी बताइए ना आप अपने क्लास वाले कहाँ हैं सब। अगले क्वेश्चन की तरफ हाँ बिल्कुल मंजू बिल्कुल आपको बताना चाहिए और आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। ये तो बाकी लोग तो सारे शेयर कर रहे हैं ना आप लाइक नहीं किया सब और उन्होंने शेयर किया तभी तो मंजू आई है नहीं तो मंजू कैसे आती। अच्छा शेयर कर दो अच्छा अब तो बता दो अब तो देखो एग्जाम को बीते एक दिन भी हो गया तो अब लाइक तो करो मुंह उदास करके तो क्यों बैठे हो चलो लाइक करो। और कल शाम को 5 बजे भूलिएगा नहीं हम सब वापस आ रहे हैं धमाके के साथ सब पता है हमको शाम को तो बहुत बड़ा धमाका है इतना बड़ा सरप्राइज है इनका। सर डिस्कशन में अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लगता है अरे मैंने तो ये ऑप्शन किया नहीं तो ये लाइक ही नहीं करता अरे और लाइक किया हो सर वापस हटा देते हैं हम है ना तो क्यों ऐसा कर रहे हो अरे हम हैं अंत तक बने रहेंगे और सारा गुस्सा हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हो यार आप? हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम आपके एप्रिसिएशन मिलेंगे तो अच्छा तो लगेगा हमें। और सर समझो इस बात को, हमें तो कुछ मेहनत हो यार ना, 4 घंटे का वेट करते कि लास्ट में देखेंगे करना है कि नहीं करना है, सब पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए लाइक कर दो, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दुनिया खत्म नहीं हुई। चलो, और मैं कुंभ का मेला 12 सालों बाद आता, आईएएस का एग्जाम एक साल बाद आता है, बाकी सरकारी नौकरियों का कोई अता पता नहीं होता। और इसमें तो हद से फरवरी मान लो, दिसंबर वाला एग्जाम ये आया फरवरी 5 महीने के बाद फिर से ये लो, और जो उन्होंने वादा किया उसके हिसाब से तो उनको दिसंबर में कराना है सर। जो अगर वो उन्होंने बिल्कुल कौन सा वादा होता सर, जान जाए पर क्या वचन लग जाए, कौन सी नहीं कुछ वादा होता है सर, वो रकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, अगर वो वाली बात अगर बात करें तो फिर तो उनको दिसंबर में और कराना है। आप सोचो, रोने से पहले ही ठीक है। क्यों तुम्हें नहीं सुना रहे हैं, तुम्हें तो ये सुना रहे हैं कि तुम गांव वालों के अलावा शहर वालों को तुम शेयर नहीं करती हो, तुम सिर्फ गांव वालों को शेयर करती हो, ये गलत बात है। ये कौन है जो लोग अभी देख रहे हैं और वॉच नहीं किए? मुझे उनका एड्रेस चाहिए, मुझे तो लाइक ही नहीं मिल रहे, जो उनका एड्रेस चाहिए, कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं? एक्चुअली सर क्या है, आपको वो लाइक दिखा रहे हैं, बाकी लोगों ने डिसलाइक करके चले गए। आज आपको पसंद नहीं आया आज उनको, अच्छा अरे ऐसे थोड़ी हो सकता नहीं। उनको कहते हैं कि नहीं नहीं, सीएसआर ने एग्जाम बहुत खतरनाक दिया था, वी डोंट लाइक दिस। अब तो सीएसआर की चैनल पे जाके करो ना भाई, हमारी क्या गलती है इसकी। ये क्वेश्चन है, पी डिग्री चार्ट वाज गिवन फॉर एनालिसिस अमंग द पेरेंट जनरेशन, मेल शोन कैरियर एंड फीमेल नॉर्मल। अच्छा ऐसे मुझे बताना पड़े, अमंग द पेरेंट जनरेशन मेल शोन कैरियर, मेल को कैरियर मान लिया और फीमेल को नॉर्मल मान लिया। इनहेरिटेंस वाज शोन अप टू 5 जनरेशन, और बाप रे इतना कौन बनाएगा 5 जनरेशन तक, ये जनरेशन 1 2 3 4 5 जनरेशन एंड ये बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन था सर, है ना, ऐसे तो अपन बना नहीं पाएंगे। पेरेंट जनरेशन मेल शोन द कैरियर, याशिर क्लासेस है वो मॉर्निंग में 8 बजे होगी, 8 से 11 बजे तक कंप्लीट हो जाती है, 12 बजे तक, और अगर बाई चांस फिर भी एक हो रही है तो रिकॉर्डेड सेशन तो आपको मिल ही रहा है ना। यू कैन वॉच द सेम लेक्चर, मतलब ऐसा भी कर सकते हो, स्टार्टिंग का सुबह मॉर्निंग का 8 से 10 आपने ले लिया, बाकी जो सेकंड लेक्चर हो रहा है वो बाद में रिकॉर्ड सेशन में कर लिया। व्हाट्स टेंशन अबाउट दैट बेटा। समस्याएं होती है पर हर समस्या का एक समाधान भी होता है। सर ये क्वेश्चन आया, B7 इनएक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा? सर B7 मैं वैसे कभी नहीं भूलता सर, B7 पता है CD28 के साथ इंटर करना है। B7 यहाँ का एड्रेस है, IFS का एड्रेस भी है, तो अगर B7 यानी मतलब B7 मतलब IFS से इनएक्टिवेट हो जाए, ये पूछ लिया गया है ना, क्योंकि IFS का एड्रेस क्या होता है, B7 सरस्वती नगर। यस सर, सरस्वती का मतलब ही समझ में आ जाना चाहिए, उसी सरस यहाँ पर क्या है, सरस्वती निवास करती है जो हमें ज्ञान देती है और वो हम फिर आपको बांटते हैं। तो देखा एड्रेस, आ जाओ ऑफलाइन के लिए 26 तारीख से। तो B7 इनएक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा, बस इतना सा लिखा हुआ, बाकी होता क्या। B7 एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर पाया जाता है। इसको CD28 और CD1 जिसको कटला 4 भी कहते हैं उनके साथ मौजूद होता है, को स्टिमुलेटरी सिग्नल का काम करता है और को इनहिबिटरी सिग्नल का काम भी करता है। MHC TCR सिग्नल का इंटरेक्शन जो APC और T सेल के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और T सेल है उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। B7 जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को उस कटला 4 ऑफ T सेल के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी एक्टिविटी को ये डिक्रीज करता है, अगर उसमें इनएक्टिवेट हो गया तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब एक्चुअली क्या क्वेश्चन था उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल जरीना, नागपुर में भी करेंगे बेटा, नागपुर के अंदर अपन को स्टार्ट कराने के लिए जरीना आपका सिलेक्शन पहले करो ताकि आप जैसे टीचर्स हमें वहां मिल सके पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम क्या, ब्रांच तो हम सब जगह लखनऊ में भी खोल दें, जयपुर में भी खोल दें, हम हो सकता है नागपुर में भी खोलें, इंदौर में भी खोलें, वेस्ट बंगाल, बट बेटा टीचर्स हमें अच्छी टीम चाहिए, अच्छी टीम चाहिए, और अच्छी टीम तभी मिलेगी जब आप लोग पहले अपना खुद का चयन करवाएं और फिर आपका स्वागत है। और इवन आपके अगर कोई सीनियर्स हैं जिनकी पीएचडी हो रखी है, जिन्होंने जेआरएफ क्लियर कर रखा है और आपको लगता है कि वो बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो उन्हें ज़रूर आईएफएस को रिकमेंड करें। क्योंकि अगर बेहतरीन टीम बनेगी, क्योंकि हर किसी टीचर को तो हम हर जगह नहीं भेज सकते ना, फिर तो आईएफएस का मतलब ही नहीं रह जाएगा। आईएफएस का मतलब ये है कि पहले तो उसको पैसों से नहीं, पढ़ाई से, पढ़ाने से प्रेम होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ऐसा मतलब ये नहीं है कि प्रांसुर को पैसे नहीं मिलते। हाँ, पर ये बात भी है, पर प्रांसुर सर रात को 12 बजे भी यही होते हैं, रात को 11 बजे भी यही होते हैं, आपने देखा भी होगा कई बार और हमारे सीरीज के अंदर, और सुबह 8 बजे इनकी लाइव क्लास होती है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दैट काइंड ऑफ पैशन जो विशाल सर, दादा सर, ये प्रतीक्षा मैम, लाल जी सर, सबके सब कंप्लीट, मतलब पूरी टीम के, और ये तो बस टीचिंग स्टाफ जो आपके मेरे सामने देख रहे हो, जो कैमरे के पीछे उधर खड़े ना वैसा, वो हाँ हेलो, वो खड़े हैं ना, तो वो भी बेचारे हमेशा रात को 11 बजे 12 बजे, उनको तो बायोलॉजी समझ में भी नहीं आती है, फिर भी वो पीछे लगे रहते हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ। तो सर मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि ये कहते हैं हमसे यूपी आने के लिए, और हम आने को भी तैयार हैं भाई, हमें टीम तो आओ, हमारी टीम में शामिल तो हो, शामिल हो, और हमारे साथ पहले लर्न करो 6 महीने के लिए कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है और रिजल्ट निकालना है। क्योंकि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, रिजल्ट भी निकालना है, इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, काबिल बनाना है। बाकी पढ़ तो आप सभी लोग, इतनी बेहतरीन किताबें हैं आपके पास। जम्मू कश्मीर से कोई है और ये कह रहे हैं कि कल एग्जाम सेंटर में बहुत सारे स्टूडेंट आपकी अकेडमी के बारे में बात कर रहे थे और रिकमेंड भी कर रहे थे। कश्मीर तो बहुत सारे स्टूडेंट, कश्मीर तो मतलब कल भी मैंने कहा था वी आर ब्लेस्ड, कश्मीर के बच्चे, मतलब प्यार भी एक अजब है आईएफएस के लिए, मतलब अजब गजब ही है। सही बात है, बहुत अच्छे है। लैक ऑपेरॉन की मीरो डिप्लॉइड का कोई क्वेश्चन को लेकर के ऑप्शन बनाए हुए थे कि लैक जेड एंड लैक वाई को लेकर पूछा था कि किस ऑप्शन में इंड्यूसेबल और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोसेस चल रहा है। अब ये तो सर वैसे जनरली सर जहां कहीं पर भी देखो लैक आई अगर म्यूटेंट है तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव, अब आगे क्या कुछ भी उसे कोई लेना देना नहीं है। या लैक आई अगर प्लस है लेकिन अगर लैक ओ पॉजिटिव है तो भी वह कॉन्स्टिट्यूटिव चलेगा। ये दो कंडीशन में तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव चलेगा, है ना, तो सर इन दो कंडीशन में तो। और मीरो जाइगोट है तो फिर वो थोड़ी और टेढ़ी कंडीशन भी हो सकती है कि लैक ऐसा, अगर इधर तरफ लैक आई प्लस भी दे रखा है और इधर तरफ लैक आई माइनस भी दे रखा है, स्लैश दे रखा है, तो भी वो कॉन्स्टिट्यूटिव चलेगा। और ऐसा लैक आई प्लस दे रखा है, इधर की तरफ लैक आई माइनस दे रखा है, और फिर लैक ओ, यहाँ पर ओ सी लिखा हुआ था, यहाँ पर ओ प्लस लिखा हुआ है, तो फिर वह इंड्यूसेबल चलेगा। अब एक्चुअल क्या कंडीशन थी वो तो तुम जानो, इंड्यूसेबल। अरे क्वेश्चन कितना भी लंबा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस ये देखो, ये लॉजिक ऐसे ही, लॉजिक हाँ लॉजिक ऐसे ही देखो कि क्या स्ट्रक्चरल जीन जहां पर प्रेजेंट है उनके प्रमोटर ऑपरेटर और रिप्रेसर में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ रहा होगा बस। सागर मध्य प्रदेश में सभी आपके बारे में बात करते हैं। अरे सागर, आयुषी सागर से तो हमने पढ़ा है, ये सागर से पोस्ट ग्रेजुएट है, बताइए, उन्होंने अपनी टोपी वहां उछाली थी। मेरा शहर है सागर, से तो खुद ही है सर, बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। हाँ सर, डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से पढ़े, ये पढ़े हैं, ये तो ही वहां के एक 9 रत्नों, नहीं हमारे 13 रत्न में से एक रत्न है ये, हमारे 9 रत्न नहीं है, 13 रत्नों में से हमारे एक रत्न है ये। तो क्या बात है सर, हम पहुंच गए सागर तक, बहुत बढ़िया है। और कट ऑफ कुछ थोड़ा बता दो, अभी तो थोड़ा लड़की को देखा है, मतलब ऐसे है। एक्चुअल लड़की के दर्शन तो तब होंगे जब एक बार हाँ एनटीए मतलब रिस्पॉन्स शीट तो लाए, रिस्पॉन्स नहीं पेपर लेकर आएगा। अभी तो सुना है आप लोगों से, सुना कि लड़का ऐसा है, लड़का वैसा था, कोई कह नहीं लड़का ऐसा था ही नहीं सर, कोई कह नहीं लड़के के बाल ऐसे थे, अभी तो सिर्फ ये पता चला कि लड़का कैसा था। एक्चुअल लड़के की फोटो आएगी एनटीए की तरफ से, एक बार पेपर हम देख लें फिर हम बता दें, फिर उसके बाद रस्म नहीं शुरू होगी, शादी होगी और फिर बताएंगे। वाह वाह भोजराज, इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं। आईएफएस इज इमोशन, यस इट इज, एंड यू आर इमोशन। एक्चुअली ये बार बार ये भूल जाते हैं कि आईएफएस ये खुद ही है, हाँ इन्हीं से तो बना है ये आईएफएस। बाकी क्या कई लोगों तो समझ ही नहीं आता था आईएफएस है क्या चीज, है ना प्राण सर, मतलब पहले तो आईएफएस कोई एक सरकारी संस्थान है क्या, कुछ लोगों ने ये भी बताया सर। ये क्या सवाल आ रहे हैं इस प्रांशु सर। हाँ हाँ मेरे हाँ आज ही मैंने इनको दत्तक पुत्र गोद लिया, अभी गोद लिया है प्रसंगी फ्रांसिस मेरे सभी हैं, विशाल सर भी हैं, सब मेरे दत्तक पुत्र हैं, ऑल आर माय सन, सभी मेरे बच्चे हैं। आओ प्रशांत। हाँ प्रशांत जी आ जाइए, वेलकम है आपका आईएफएस में, आईएफएस जोधपुर में आज से ही। ओके नीलेश सर को बुलाऊं? नीलेश सर आ गए तो फिर सब आप भाग जाओगे। वो इतने डांट लगाएंगे तुमने गलत कैसे किए, उन्होंने कितने बेहतरीन नक्शे, और उनका कुछ आ गया, जिब्रिलिक एसिड आ गया। अच्छा जिब्रिलिक एसिड वो पढ़ा के गए थे, पढ़ा के गए थे। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रिलिक एसिड का कुछ क्वेश्चन था एंड कोरिन से, अगर कुछ एंजाइम्स के नाम थे तो वो एंजाइम्स के नाम अब देख लो, इसमें से अब क्या क्वेश्चन था मुझे ये नहीं पता। एक किसी अभी महिमा ने तो कहा था कि जिब्रिलिक एसिड क्या है, तो डाइटर्पिन है और एंड कोरिन उसका प्रिकर्सर है, उससे ये पूरा पाथवे चलता है। ओ प्रशांत, अच्छा श्रीमय प्रधान का जो नहीं रहा, ओके श्रीमय हमारा स्टूडेंट रह चुका है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है एंड सक्सेसफुल स्टूडेंट है श्रीमय। श्रीमय अच्छा, श्रीमय प्रधान सर। हाँ सर, श्रीमय प्रधान को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, आप क्या हम सब जानते हैं श्रीमय को। कशिश पूरे 13 यूनिट प्रिपेयर करने चाहिए अब तो। अब से हमारी वाणी वापस चेंज हो गई है, अभी हमारा खूब समय है, अब से हमारे बहुत सारे शब्द चेंज हो गए हैं कि अब हमें पूरे 13 यूनिट को प्रिपेयर करनी। इन्वेसिव स्पीसीज का मीन टाइप लगाता है, वो भी कुछ क्वेश्चन आ जाएगा अभी। इन्वेसिव वल्वा फॉर्मेशन का कुछ ऑप्शन क्वेश्चन था सर, सी एलिगेंस का, और उसमें था कि इफ एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दो, एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दो तो क्या होगा, है ना। मैपिंग में पढ़ा चुके हैं आप इसको, बिल्कुल तो है ना, एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दो तो क्या होगा, तो है ना, एंकर सेल को अगर डिस्ट्रॉय कर दे फिर तो सर किसी को सिग्नल ही नहीं मिलेगा, सिग्नल नहीं मिलेगा फिर तो सारे टर्शरी फेट में चले जाएंगे। पर ऐसा तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैं तो ये देख रहा हूँ सर कि जो ऑप्शन आए हैं कि सेकेंडरी लीनियज वाली सेल को ज्यादा ऑप्शन सीएसआईआर ऐसे दे दो तो कितनी अच्छी बात रहे। प्लीज यार, अगर सीएसआईआर वाले देख रहे हैं तो प्लीज इतनी कठिन लैंग्वेज मत लिखिए, सबको साइंस सबको आती है, आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, पता है कितनी बढ़िया लिखा है। लैंग्वेज देखा, इफ एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दे तो फेट हाइपोडर्मिस होगा, ये बात तो सही है, ये तो सही है सर। सभी सेल इक्विवेलेंट होती है वल्वा फॉर्मेशन के लिए, ये बात भी सही है। हाँ ठीक है, पर इसका सेकेंडरी लीनियज वाली यानी ये प्राइमरी लीनियज। देखो सर ऐसे मत, मेरे बच्चे ने भेजा है सर, ऐसे मत करो, कितनी मेहनत करके उसने लिखा है सर, याद रख कर ऐसे। हाँ नहीं, पर आप भी चाहते हो सीएसआईआर वाले भी ऐसे लिखे। मैं ये चाहता हूँ सर, उनको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई देख रहा हो तो प्लीज थोड़ा साइंस सबको आती है, आपकी लैंग्वेज नहीं आती। हाँ कितना आसान हो जाएगा अगर इस तरह की भाषा लिखी हो। सेकेंडरी लीनियज वाली सेल्स को ज्यादा लिन 3 दें, बिल्कुल, यानी इनको लिन 3 ज्यादा दे दिया तो वो प्राइमरी लीनियज में। हाँ ये बात भी सही है। तो सर सारी बातें सही लिखी गई, फिर क्वेश्चन क्या है? शायद चौथे ऑप्शन में ये हो सकता होगा कि गलत क्या था, गलत वाला चौथे में था क्या। विकास में हंसने वाली बात ये है कि सीएसआईआर वाले इस क्वेश्चन को इतना टफ बना देते हैं, और इसी को जब सिंपलीफाई किया तो ऑप्शन कितने इजी बन गए। देखो चलो पढ़ो, सीएसआईआर ऐसे ही ऑप्शन लिखता है। अगर ऐसे ऑप्शन लिखता तो फिर हमारे कितनी गलतियां ही नहीं होती, मेरे कहने का मतलब ये था। सिर्फ हम तो उस क्रिएटिविटी पे हंस रहे हैं कि काश हाँ सर सीएसआईआर वाले भी ऐसे कुछ सिंपल लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं। ज्यादातर हमारे इन सारे स्टूडेंट को सर साइंस आ जाती है, वो उसमें चक्कर खा जाते हैं, जो लैंग्वेज वो लिख देते हैं। थैंक यू। हाँ आईएफएस प्लेटफॉर्म से बेस्ट अभी तो मेरे को नहीं लगता कोई और है। और सिर्फ जेआरएफ ही नहीं, हमारा मकसद कभी जेआरएफ ही नहीं होता, हमारा उद्देश्य होता है कि एक बेहतरीन लाइफ साइंस रिसर्च स्कॉलर बनाना। हो सकता है आगे चलकर आप कहीं नीट की प्रिपरेशन करा रहे हो सकता है आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हो सकता है आप किसी ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ा रहे हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ा रहे हो सकता है आप साइंटिस्ट बन जाओ, हो सकता है विदेश में कहीं पर अपना कार्य कर रहे हो, लेकिन ये गारंटी हमारी है कि आईएफएस में पढ़ने के बाद टॉपर आप ही होंगे। हर जगह चर्चाएं आपकी हो रही होगी, आपके ग्रुप के अंदर, चाहे आप किसी भी लेवल पर, आप 11th के बच्चों को, 12th के बच्चों को, बीएससी को, पीजी को पढ़ा रहे हो। जेआरएफ होना नहीं होना एक दूसरी बात है, वो तो हो ही जाती है। जेआरएफ होना कोई किसी तरीके का हम कह सकते हैं मेडल भी नहीं है, तमगा भी नहीं है। जेआरएफ तो कई जगहों से भी प्राप्त की जा सकती है और खुद की मेहनत से भी प्राप्त की जा सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो आईएफएस से जेआरएफ करने के बाद आपके नजदीक में कोई भी रिसर्च संस्थान हो, वहां पर जाकर एक बार पता कर लीजिएगा, जो आईएफएस का स्टूडेंट होगा वो आपको एक अलग रूप में ही दिखेगा। ये नहीं कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होगा, नहीं, वो हेल्पिंग होगा, नॉलेज अच्छा होगा, कंसेप्ट उसके क्लियर होंगे, हमेशा वो मदद करने की कोशिश करेगा दूसरों का। उसका व्यवहार बाकी लोगों से काफ़ी भिन्न और काफ़ी विचित्र और कहते ना हेल्पफुल मिलेगा सर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर आप साइंटिस्ट होगे तो सबसे बेहतर होगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ज्ञान लेकर के जाओ ना, यहाँ जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है वो शायद ही कहीं मिले। मिले तो अच्छी बात है, ऐसा मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, लेकिन आईएफएस से बेस्ट मुझे तो अब तक कुछ नहीं दिखता। और आपको भी, आप जब तक हो हमारे साथ तब तक ये हमारा इंस्टीट्यूट बेस्ट दिखना भी नहीं चाहिए, आप लोगों को भी नहीं दिखना चाहिए, और है तो हमें बताओ ताकि हम उनसे और बेहतर हो। बिल्कुल बिल्कुल। रेड क्वीन हाइपोथेसिस, हाँ। क्योंकि वी हैव टू रन, सो वी हैव टू मेक आवर पोजीशंस, ताकि आपका सिलेक्शन लगातार होता रहे, आपके फ्रेंड्स का सिलेक्शन होता रहे। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या है? अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें से तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, पर एक्चुअली क्या ऑप्शन था मुझे नहीं पता, बट अगर यही तीन ऑप्शन थे तो उनमें से आंसर आप अपना उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड पर लगा सकते हैं। ऑब्वियसली जहां एच है तो मतलब वो तो फिर रिड्यूस्ड फॉर्म होगी। मानसी कह रही मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर बहुत मुश्किल था। हाँ मानसी, क्योंकि आपने सुबह दिया होगा इसीलिए, और जिन्होंने शाम को दिया होगा वो कह रहे हैं शाम का पेपर बहुत टफ था। ये तो हमेशा ही होता है, हमेशा पड़ोस की भाभी बहुत अच्छी लगती है ना, दूसरों की थाली का खाना अच्छा लगता है, उसमें का गुलाब जामुन समझ में आएगा कि भाभी जी सबको अच्छी लगती है। सीधा सा एग्जाम्पल दो ना, अपनी वाइफ तो हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे बस वो उन्हीं के पीछे पढ़ने के लिए पैदा हुई है। इवन गर्ल्स के लिए भी अप्लाई होता है, हमेशा दूसरों के हस्बैंड ही केयर, आपको केयरिंग लगते हैं, काम करने वाले लगते हैं, ध्यान रखने वाले होते हैं। खुद का हस्बैंड तो ऐसा लगता है जैसे पूछो ही मत, उससे बेकार तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले वो सबसे डम होगा, वो सबसे डम होगा। ऐसे ही शाम की शिफ्ट वालों को ऐसा लगे आज तो मजा आ गया। तो कंट्रोल भी हो रही है, इनको तो अपनी वाइफ की याद आकर ही ये तो अभी से हंस रहा। विशाल सर यहाँ इतना हंस लेते हैं कि घर जाने के बाद कोटा पूरा चुप। अच्छा घर पे हंसी निकलती भी है? नहीं इस बात से निकलती ना, मैं बहुत देख रही थी आज YouTube पर आपको, इतनी हंसी आ रही थी आपको, और घर पर आकर क्या हो जाता है आपको? याद ये अगला क्वेश्चन रिपेयर से है। विच आर द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन रिपेयर? तो अब ये तो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि कौन से रिपेयर पाथवे की बात कर रहा है। एनईआर बेस्ड एक्सीडेंट रिपेयर मैकेनिज्म, डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म की बात कर रहा है, सिंगल स्टंट ब्रेक की बात कर रहा है, डबल स्टंट ब्रेक की बात कर रहा है। क्योंकि सर सिंपल सा मॉडिफिकेशन लिख दिया, फॉस्फोरिलेशन ऑफ टायरोसिन, तो किस प्रोटीन की बात की जा रही है, किस मोनो यूबिक्टिनाइजेशन, पॉली यूबिक्टिनाइजेशन किसकी बात की जा रही है, कुछ कहा नहीं गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पूरा आएगा तभी पता पाएंगे। ये क्वेश्चन आया था विशाल सर कि मैच द फॉलोइंग कैंसर विद द साइट ऑफ ओरिजिन। अच्छा ये तो बहुत सिंपल सा है ना सर, सुबह भी आया था शायद, ये सुबह था कि शाम का था? सुबह भी आया था, सुबह भी बोला सर खुश हूँ, मैं खुश हूँ कि कम से कम ये तो दिए ही है। हाँ पता होना चाहिए कि भाई कौन सा कैंसर कहाँ पर होता है। नेट सेट में कोई डिफरेंस नहीं है प्रांजलि, आप नेट की प्रिपरेशन करोगे सेट अपने आप निकल जाएगा। सिलेबस में डिफरेंसेस नहीं होता, डिफरेंस होता है अप्रोच के अंदर। यहाँ का फ्लेवर थोड़ा सा जायका अलग तरीके का होता है, नेट का बहुत मजेदार जायका होता है, और सेट का एकदम सेट ना घर का खाना होता है सेट, ये मान लो आपने। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, अदरवाइज सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। इवन सिलेबस आपको महाराष्ट्र की वेबसाइट पर अलग देखने को मिल सकता है सेट का, बट जो क्वेश्चन फाइनली आते हैं वो उसी सिलेबस से आते हैं जो कि नेट का सिलेबस है ना। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज दे मे डिस्प्ले आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेबस, बट फाइनली जब एग्जाम अपेयर होता है तो नेट का सिलेबस ही फॉलो किया जाता है बच्चे। मैं बता देता हूँ आपको, मेलेनोमा भी था, बहुत अच्छी बात है, चलो मेलेनोमा भी बना लेते हैं। ठीक है, ये टेबल था शायद सर, मैच होगा सर। कार्सिनोमा मतलब एपिथेलियल सेल से कुछ रहा होगा, सार्कोमा मतलब एंडोथेलियल सेल से, मेसोडर्मल सेल से, मसल से कुछ रहा होगा, ल्यूकेमिया भी बेसिकली ब्लड आरबीसी से कुछ रहेगा है ना, मेलेनोमा भी रहा होगा। मेलेनोमा मतलब बेसिकली आपका लिम्फोसाइट्स वगैरह से कुछ होता होगा। नैनोस कॉडल को इनहिबिट कर सकता है क्या, क्यों करेगा और किस खुशी में करेगा? ओवेश नैनो स्कोडल दोनों तो मतलब एक तरफ रहने वाले हैं ना, तरह के काम करने वाले हैं सर। मतलब ये तो एक घर में रहने वाले क्यों करेंगे, ये तो सेम काम करने वाले हैं, वो एक दूसरे की लड़ाई क्यों करेंगे भाई? वो हस्बैंड वाइफ है सर। हाँ वो हस्बैंड वाइफ फिर भी हो सकता है सर, हस्बैंड वाइफ में तो फिर दोस्त है सर, दोस्त है हस्बैंड वाइफ में हो सकता है सर, दोस्त है। नैनो स्कोडल को नहीं कुछ करता, दोनों एक ही बात करते हैं। Which cell is responsible for degeneration and inhibition of Mulerian duct? मेरे हिसाब से क्वेश्चन कुछ ऐसा रहना चाहिए कि मुलेरियन इनिबिटरी सब्सटेंस कौन प्रोड्यूस करता है, फिर सर्टोली सेल होना चाहिए ना सर, मुलेरियन इनिबिटरी हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, एमआईएच, फिर तो सर्टोली सेल होना चाहिए। एक्चुअल क्वेश्चन था क्या था मुझे ना, मुलेरियन इनिबिटरी हार्मोन ये कौन प्रोड्यूस करता है, तो फिर तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ होना चाहिए, बाकी आप लोग ज्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं, तो फिर आंसर आपका सर्टोली। विशाल सर आपको क्या लगता है? हाँ सर, मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन होता तो फिर सर्टोली होता है, मुलेरियन हार्मोन और वो रिग्रेशन करते हैं, सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेज में भी में ही ये सब होने लग जाता है। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन था सर, मैच द जंक्शंस विद देयर फीचर्स। हाँ तो ये तो बहुत सिंपल सा, टाइट जंक्शन सील करने का काम करता होगा, डेस्मोसोम है वो भी एक डायरेक्ट सेल से लिंक, कैडरिन कैडरिन को लेना देना होगा, गैप जंक्शन के अंदर आपका न्यूरो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेकेंडरी मैसेंजर मूव कर सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा तो प्लांट के अंदर हो गया है ना, ये तो किया था सर, ये मतलब हुआ था, वो तो सिंपल ही था, क्वेश्चंस भी किए थे इसके। ठीक है चलो, डायरेक्ट क्वेश्चन ओके ओके। फिर एक था कि BCMU है ना, मतलब बेसिकली डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया ये किसको इनहिबिट करता है? DSMU तो फोटोसिस्टम सेकंड को इनहिबिट करता है ना, फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है वहां से प्लास्टोक्यूनॉन तक जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है उस इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकता है सर, वहां से इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, छीन लेता है, छीन मतलब हाँ बीच आगे यूबिक्विनॉन के पास जाने नहीं देता, तो यूबिक्विनॉन के पास पहुंचता ही नहीं, उसको ऑक्सीडाइज करके शायद खुद यूबिक्विनॉन के प्लास्टोक्यूनॉन के पास पहुंचता नहीं है। हर्बिसाइड है ये, ठीक है तो हाँ बिल्कुल, डीएसएमयू एक हर्बिसाइड है। और अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या था वो तो भगवान जाने या मेरे बच्चे जाने, नहीं था फिर क्या था DBMIM क्या था? DCMU नहीं था, DCMU नहीं था तो क्या था, तो उसका फुल फॉर्म लिखा होगा क्या, वो कमेंट मारो क्या था। वो तो मैं राम पहले ही कहा था कि आईएफएस टेस्ट सीरीज हार्ड होती थी, इसलिए मैं हमेशा कहता था कि जो आईएफएस की टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स आते हैं उससे 10% आपके मार्क्स सीएसआर में ज्यादा आएगा। वो तो मैं ये तो शुरू की बात है, शुरू है ना, उसमें भी सर DCCMU लिखा था क्या? DBIB क्या लिखा था? चलो DBMIM लिखा था, DBMIM वही तो बोल रहे, DBMIM डीब्रोमो कुछ था सर, डीब्रोमो डाइब्रोमो क्या था? खैर चलो आप जो होगा दे। कौन सा देश सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है? तो सर ये लास्ट टाइम पे भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था सर, चाइना होना चाहिए, चाइना ही क्यों सर? सर यूएसए दूसरे नंबर पर है। अरे सर ऐसे कैसे? पक्का हाँ देखो, अगर अब क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड तक है तो यूएस होना चाहिए, और क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो फिर चाइना होना चाहिए। पर ये मैंने पता नहीं सर, अभी हाल ही में कुछ मतलब ऐसा पढ़ा था। देखो यूएस वाले आरोप चाइना पर लगाते हैं और चाइना वाला आरोप यूएस पर लगाते हैं और कभी कभार बेचारे गलतियां से इंडिया का नंबर, इंडिया तीसरे नंबर पे हालांकि है, वो तो इन दोनों में बना हुआ है लगातार, हमारा देश कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है तीसरे नंबर पर, लेकिन यूएस वाले अंगुली हमेशा चाइना पर कर देना और चाइना वाला हमेशा। अब ये एक्चुअली मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, मैं 2021 की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। अच्छा 22 में पता नहीं सर, क्योंकि उस दौरान क्या हुआ कि वहां पर सर कोरोना का वो हो गया था पूरा और उस वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2021 के अंदर 2020 की बात करोगे तो सबसे पहले चाइना ही था। क्वेश्चन सेम था लास्ट टाइम का। अभी हम किसको ब्लेम करेंगे सर? हम सीएसआर को ब्लेम करेंगे, नहीं इंडिया को रिटी करेंगे, इंडिया को रिटी करेंगे। इसको भी देख लेते हैं 2022 की अगर बात कर रहे हैं तो, अच्छा लास्ट डिकेड था, फिर तो चाइना है, फिर तो सब चाइना पर आरोप लगाओ सब, फिर हमारे हिंदी चाइनी भाई नहीं, फिर चाइना। अगर डिकेड है तो फिर नो डाउट मैगजीन प्रोड्यूसर ऑफ कार्बोनेशन लास्ट डिकेड अगर आ रहा है फिर तो कोई डाउट नहीं है, लास्ट डिकेड आ रहा है तो फिर चाइना ही होगा। हाँ इकोटोन पर भी था। उर्मिला बहुत अच्छी, पहली बात तो वेलकम, स्वागत है, इतनी लेट आई बेटा तुम। इकोटोन क्या होता है? ट्रांजिशन एरियाज होते हैं जहां पर दो एक्चुअली कम्युनिटीज आपस में मीट होती है, जहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होती है, उसे इकोटोन कहा जाता है। वहां की स्पीशीजनेस भी ज्यादा होती है, हैबिटेट डाइवर्सिटी भी वहां पर कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। ओके महिमा, चलो डिकेड है तो फिर तो सर डाउट होने नहीं चाहिए, फिर तो चाइना ही हो गया ना सर। हाँ सर, फिर तो चाइना ही होगा। मैं 2022 के हिसाब से सोच रहा था क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी 2022 के अंदर यूएस ने लीड ले लिया कार्बन एमिशन में कहीं, ऐसा मैंने सुना था। अच्छा फिर ओके, एक क्वेश्चन था व्हाट इज परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ 1, 2, 3 एब्जॉर्बेंस वैल्यू। तो ये तो मैंने आपको बताया ना सेकंड वाले एग्जाम मैपिंग सीरीज के अंदर बताया था किस तरीके से ट्रांसमिशंस को किया जाए। ठीक है, इकोटोन पर स्पीसीज होता है, हाँ होता है, और बहुत ज्यादा स्पीसीज होता है। ना तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? एब्जॉर्बेंस, मतलब आपको परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज टी इज एंटी लॉग ऑफ 2 माइनस एब्जॉर्बेंस निकल जाएगा। और एब्जॉर्बेंस अगर आपके पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू एंटी लॉग ऑफ निकालना है 2 माइनस 1 तो एब्जॉर्बेंस आपके पास आएगी एंटी लॉग ऑफ 1, और एंटी लॉग ऑफ 1 कितनी होती है तो दैट वुड बी 10%। तो एक बार 1 है तो 10%, इस तरीके से 2 है तो 1%, और 3 है तो 0.1%। तो ऐसा कुछ आंसर थे क्या? 10%, 1%, 0.1%। भाई बाकी लोगों के भी देखते रहो। ऑप्शन 0, 1, 10 हाँ है ना, तो कुछ ऐसा आंसर होना चाहिए। 10% होगा, 1% होगा और 0.1% होगा। एब्जॉर्बेंस अगर 1 है तो परसेंटेज ट्रांसमिशन कितना होगा 10। एब्जॉर्बेंस अगर आपकी 2 है तो ट्रांसमिशन घट जाएगी, ट्रांसमिशन घटकर हो जाएगी 1, और एब्जॉर्बेंस अगर 3 है तो घटकर 10 गुना और घटकर वो हो जाएगी 0.1, क्योंकि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशंस में लॉगरिथमिक रिलेशनशिप है, ये तो आपको सब जानते हैं। अरे यशीर का ये ठीक है, बधाई हो। एक क्वेश्चन था ब्लैक बग कौन सी कम्युनिटी? अरे हेलो ब्रदर, ये तो हो गया है, गुजरे हुए जमाने की बीती हुई बातें अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अरे शुरुआत से ही सर, हीरो की बात तो कब से चल रही है। वही तो, आप देर में आए शायद, और अगर अभी नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, खूब सारी बातें जानने को मिलेंगी। डेवलपमेंट के सारे क्वेश्चन विशाल सर के ही थे, तो उसके अलावा तो आप भी कहां से सकते हैं? सीएसआर वाले डॉक्टर से पूछ के जाते हैं पेपर क्या बनाऊं मैं, क्या बनाए। बच्चे भी कुछ भी सर है। हाँ विशाल सर ने जैसे कहे वैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, इतना भी मत कहो। एग्जाम मैपिंग के सीरीज अंतिम वार की सीरीज में एक बार तो प्रांशु सर को हमें ये बोल रहे थे सर वो 17 सितंबर का जो पेपर है वो आईएफएस ऐप पे अपलोडेड नहीं है। हाँ वो ये बोल रहे थे, कहते अब तक सर पेपर अपलोडेड नहीं है, मतलब इनको सारी चीजें चाहिए। Which of the following is not an extracellular matrix protein? ऐसा कुछ था तो कैडरीन, एक्सेलमेट कैडरीन तो आपका सेलेडेशन मॉलिक्यूल है सर। ये स्कैम है, ये भी स्कैम है सर, सेलेडेशन मॉलिक्यूल है। लेमिन तो न्यूक्लियस में होता है सर। हाँ सर, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ रहा होगा सर, गड़बड़ क्वेश्चन है, गड़बड़ सब। इंफॉर्मेशन इज कम, इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रू, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन। कोलकाता में प्रमिला अभी तो नहीं शुरू होगा बेटा। मेघा स्वागत है आपका, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, लाइक कर दो सेशन को, सब्सक्राइब कर दो सेशन। हाँ, न्यूक्लियस में लेमिन होता है, पर क्वेश्चन क्या है, शेयर कर देना। क्वेश्चन ये भी हो सकता है विच इज नॉट एन एक्सेलरोमीटर स्प्रूटिंग की वजह, ये भी हो सकता है सर विच इज नॉट एन सेल एडिशन मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल, एडिशन मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेमिन ही है उसका आंसर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेमिन इनसे हटकर है, मतलब उसका हाँ। बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। लेमिन न्यूक्लियस का एक इंटरमीडिएट फिलामेंट का टाइप 5 है शायद, है ना। चलो, जिबुलिक एसिड क्या है? ओके, ये तो डाइटर्पीन है। ठीक है, चलो ये तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। यही था क्वेश्चन, यही था बोल रहे सर। ओके, तो फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ थोड़ी सी गड़बड़ रही होगी। ओके, चलो कोई बात। ठीक है, इनमें से और डाउट है ना, जैसे ऐसा ना गधा, घोड़ा, ऊंट और कुर्सी, इनमें से कौन सा अलग है, तो हम कहते हैं ना कुर्सी अलग है। इस वजह से कैडरिन, विट्रोनेक्टिन, सेलेक्टिन और लेमिन में अलग कौन है? लेमिन अलग है। अगर लेमिनिन होता तो फिर बात कुछ अलग हो जाती है, वो फिर कुछ अलग बात हो जाती। फिर कहा है कि सबसे लेटेस्ट एक्सटिंक्ट कौन हुआ है? मतलब तो देखो भाई, हनी भी तो एक्सटिंक्ट हुई नहीं है, वल्चर भी जिंदा है अभी तो, जोधपुर के आसपास खूब सारे हैं। ये किसी ने कहा आइवरी बिल्ड वुड पैकर, हाँ ये जरूर हुआ है, ये जरूर हुआ है, पर ये ऑप्शन में था कि नहीं था मुझे नहीं पता, बट ये एक ऐसा जरूर है वुड पैकर जो अभी हाल ही में वहां पर खत्म हुआ। प्रीतोम ने क्या पूछा? सर प्लीज आंसर विच बायोमास फाउंड इन इंडिया। टुंड्रा, सभी टुंड्रा भी पाया जाता है, टाइगा भी पाया जाता है, बोरिल भी पाया जाता है, सभी पाया जाता है। क्वेश्चन कुछ अलग रहा होगा। प्रसंगी, क्वेश्चन इजी नहीं थे ये, क्वेश्चन अब बच्चों ने डाले हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में करके डाले बेटा, इसलिए आप लोग को इजी लग रहे हैं। एक्चुअल एग्जाम के अंदर बहुत अलग तरीके से इन क्वेश्चन को लिखा गया होगा, क्योंकि एक बार पेपर आने दो फिर आपको पता चलेगा। यू कैन नॉट जज। ये तो क्या करते हैं, बहुत इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। आपको क्या लग रहा है इतना छोटा सा लिख दिया होगा, लेटेस्ट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म वाज, ऐसा थोड़ी होगा एक वर्ड के अंदर। एक्सटिंक्ट बाय डेक्लोफेनेक, ये दवा का नाम है। वो तो अपने राम प्रकाश जी का काम है, डेक्लोफेनेक वल्चर का, डेक्लोफेनेक वल्चर एंटी स्टेरॉइडल। सर हमारे राम प्रकाश, डॉक्टर राम प्रकाश सारन है जो वल्चर के स्पेशलिस्ट है इंडिया के अंदर, उनके बहुत ज्यादा पब्लिकेशंस हैं एंड ही इज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 to 15 years on this drug diclofenac and its effect on vulture population, and what he found is that कि diclofenac क्या है कि वेटनरी ड्रग है, गायों को और इंजेक्शन लगाते हैं, दर्द निवारक टाइप की, और उन कैटल्स की जब डेथ होती है तो उन्हीं के कैरकस के ऊपर वल्चर्स फीड करते हैं, तो वो डेक्लोफिनेक है वह वल्चर्स अपटेक करता है, तो उनके लीवर के अंदर इकट्ठा होता है, किडनी फेलियर भी कराता है ऐसा। क्योंकि आई एम लकी दैट आई एम फ्रेंड ऑफ डॉक्टर राम प्रकाश सारन एंड वी आर को ऑथर ऑफ एटलीस्ट 2 बुक्स, 2 बुक के अंदर वो मेरे साथ ऑथर भी हैं, तो ही इज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इसलिए डिक्लोफिनेक के बारे में मुझे अच्छी तरीके से बताओ। इसका मतलब उसके बाद जब मैंने रिसर्च पढ़ी, मैंने खुद ने डिक्लोफिनेक खानी थोड़ी कम कर दी सर, कि किडनी फेलियर जब वल्चर का हो सकता है मेरा भी हो सकता है, इसलिए अब भी मैं एंटीस्टेरॉइडल के तौर पर कोशिश करता हूँ कि डिक्लोफिनेक को न लूँ, उसकी बजाय कुछ दूसरी ड्रग, पैरासीटामोल से ही काम चला लूँ या कुछ सिंपल ड्रग से काम चला दूँ, चाहे कितना ही दर्द हो। बाकी पहले मैं डेक्लोफेनेक ही लेता था सर, तो फट से दर्द कम हो जाता था, कम हो जाता। पर इसका मतलब है ना, तो डेक्लोफेनेक इज वेरी टॉक्सिटी। ठीक है, डेक्लोफेनेक पे क्वेश्चन था, बिल्कुल था कि डिक्लोफिनेक की वजह से कौन सी स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गई है, ऐसा बच्चों ने कहा, तो वो वल्चर की स्पीसीज। ये तो वल्चर से आ गया कुछ, एक और बार पहले भी आ चुका सर, जिप्स इंडिकस, जिप्स फल्वर्स के ऑप्शंस थे सीएसआर में, एक बार और क्वेश्चन आया। राम प्रकाश जी का काम अब हर जगह रिकॉग्नाइज होने लगा है, मतलब कि सीएसआर के क्वेश्चंस आने लगे, इवन ब्लैक बुक पर भी उनका काफी अच्छा काम है, 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके। एक डिजीज मदर फादर ग्रैंड मदर से प्रोजेनी, अच्छी है तो कुछ कर नहीं सकते। एक डिजीज मदर फादर ग्रैंड फादर की मदर से प्रोजेनी में ट्रांसफर होती है, बस इतना सा लिखा, उससे कुछ पता नहीं चलेगा वो कौन सी डिजीज है। प्लांट फिजियोलॉजी से कोई क्वेश्चन है नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी से नहीं है, ओनली एनिमल में ही पाया जाता है, कौन सा एनिमल में ही पाया जाता है, जबकि मोस्टली प्रोकैरियोट प्लांट में एब्सेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल ही हुआ सर, कोलेस्ट्रॉल इज अ यूनिक स्टेबल ऑफ एनिमल्स, कि कोलिन तो होने से रहा, पढ़ाया है ये, पढ़ाया है। अच्छा, डिक्लोफिनेक टॉक्सिटी मॉर्निंग में भी था, ओके हो सकता है। आपको मौका मिले तो उनके पब्लिकेशन जरूर पढ़िएगा, वेबसाइट पर अवेलेबल है, और वल्चर वैसे भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और अभी तो राजस्थान के अंदर लंपी डिजीज बहुत ज्यादा फैली है, जिसकी वजह से कैटल की काफी डेथ हो रही है और उनको डंपिंग स्टेशंस पे डाल रहा जा रहा है। वो भी वल्चर्स के ऊपर क्या इफेक्ट डालने वाले हैं, इसके ऊपर रिसर्च करने वाले ये भाई साहब है जो अभी पढ़ेंगे, जो उनका टॉपिक है, तैयारी करेंगे। हाँ सर, करेंगे कुछ रिसर्च ऐसे ही? बिल्कुल 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 करेंगे ना। हाँ सर, चलो एक क्वेश्चन था बेसिकली क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के स्टेप्स के ऊपर। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं, पर स्टेप्स तो क्या होता है कि रिसेप्टर है, रिसेप्टर के ऊपर सर वो मॉलिक्यूल आकर बाइंड होता है जिसकी एंडोसाइटोसिस करनी है। नीचे एडेप्टर प्रोटीन का नाम है एपी2। एपी2 बाइंड होता है तो फिर क्लैथरीन बाइंड होता है। क्लैथरीन बाइंड होते ही फिर आपके पास वेसिकल्स अंदर की तरफ पिंच ऑफ होती है। पिंच ऑफ करने पर डायनामिन है, वो पिंचिंग ऑफ कराने का काम करता है। फिर वापस कोट प्रोटीन वहां से हट जाता है, मतलब क्लैथरीन, फिर वो जाकर फ्यूज होती है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन था ये मुझे नहीं पता। हाँ वाजा अंजना, रामसिंह प्लॉट वाला क्वेश्चन हो चुका है बेटा, मैंने करा चुका हूँ अब तक, वो पीछे जाकर के देख लेना, उसमें डिस्कस किया हुआ है। फ्रैगाइल एक्स, एल कैप्टोन्यूरो एक्टिंगटन, हाँ बेटा वो क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन रहा होगा, तो उसमें स्टेप में शायद हो सकता है यहाँ पर आपको लिख दिया हो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ऐसा हो सकता है। इसको ए लिख दिया हो, इसको बी लिख दिया हो सकता है इसको कुछ सी डी कुछ ऐसा कर दिया होगा, है ना। इसको सी लिख दिया हो, इसको डी लिख दिया, है ना, ऐसा कुछ लिख दिया हो। अरे नहीं सिद्धार्थ, मैंने नहीं दिया पेपर बेटा। आप तो न्यूज़ को ऊपर से नीचे तक घूरता है कि अंकल क्यों देने आया हूं, तो मैंने देना बंद कर दिया पिछले 3-4 साल से, है ना। बैक क्रॉस का रेशियो, ये तो चलो कुछ अलग ही बात रही होगी ऐसा। तो अब ये क्वेश्चन है सर, इफ स्पीसीज ए इज इन स्ट्रेस, मतलब मान लो आप स्पीसीज आप स्ट्रेस में हो, नहीं आपका एग्जाम्पल किसी और लेते हैं। एक स्पीसीज आप स्ट्रेस में रहते हो, आप स्ट्रेस में रहने भी चाहते हैं, आप स्ट्रेस में रहने भी चाहते हैं। इफ स्पीसीज इन स्ट्रेस एंड प्रोड्यूसेस स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, है ना सर। स्ट्रेस में है और छोटे छोटे साइज के बच्चे देते हैं, तो इससे क्या कंक्लूजन निकालें? इससे कंक्लूजन ये निकालना है, दो ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन तो दो, नहीं तो क्या कंक्लूजन निकालें? इसका मतलब ये है कि उसको बड़ी साइज के बच्चे पैदा करने से कुछ डर लगता है। हो सकता है कि बड़ी साइज के बच्चों को कोई खाने वाला हो सकता है बड़ी साइज के बच्चों का सर्वाइवल की चांसेस कम हो सकता है उस स्पीशीज के खुद के सर्वाइवल पर बहुत फर्क पड़ती हो। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसी स्ट्रेस कंडीशन में रह रहा है, जैसे डेजर्ट जैसी कंडीशन है जहाँ खाने पीने को खुद ही ना मिलता हो। बहुत ज्यादा अगर एनर्जी रिप्रोडक्शन में चली जाएगी तो उस स्पीशीज के ऊपर खुद के खतरे वाली बात होगी। फिर एक क्वेश्चन था अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी क्वेश्चन था, तो वो भी अल्फा डाइवर्सिटी किसी एक लोकल एरिया की डाइवर्सिटी होती है। बीटा डाइवर्सिटी व्हेन यू मूव फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर हैबिटेट, तो उनके बीच में जो डाइवर्स क्या स्पीसीज मिली उससे बीटा डाइवर्सिटी का, है ना। गामा डाइवर्सिटी एक बहुत बड़े भूभाग एरिया की जो डाइवर्सिटी है उसे गामा डाइवर्सिटी कहा जाता है। हाँ ये भी हो सकता है बिल्कुल, हाँ कि खाने की कमी है इसलिए छोटे साइज के बच्चे बना रहे हैं, हो सकता है दैट कुड बी ट्रू। हाँ स्ट्रेस कंडीशन में फूड की शॉर्टेज, और फूड की शॉर्टेज है तो बड़ी बड़ी साइज के बच्चे कैसे पैदा करेगा, अंडरवेट बच्चे पल भी नहीं पाएंगे ना, अंडरवेट बच्चे पैदा होंगे ना सर, अगर बिना नरिशमेंट के, तो यूं भी सोचो तो। गामा इज सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, हाँ कह सकते हो बेटा बिल्कुल। चलो, which of the following is not optically active? Some amino acid structure with a chiral shown in option and one without a chiral. तो obviously glycine हो अगर कहीं पर है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर वो हो सकता है डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन है अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो वह इनएक्टिव होगा। इनमें से कुछ ऑप्शन हो सकता है जो कि इनएक्टिव हो बच्चा। हाँ भाई कौन कहाँ से, लिख लो एक बार, बता दो कौन किस जगह से हो। अच्छा आप कहाँ से हो? आप मेरे परिवार के जितने भी नए सदस्य अभी आज जुड़े हो, प्लीज 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 मुझे बताओ कि कौन कहाँ से हो, मतलब किस जिले से हो, और बाकी स्टेट तो हमें पता चल जाएगा, बस आप अपना डिस्ट्रिक्ट ही लिख दो। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अगर आप किसी तहसील के अंदर रखते हो तो वो भी लिख दो, है ना, जैसे आप लिख सकते हो। अगर जोधपुर के अंदर आप बिलाड़ा में रहते हैं तो बिलाड़ा जोधपुर, या पिपाड़ जोधपुर, फलूदी जोधपुर, लूनी जोधपुर, और अगर जोधपुर में रहते हैं जोधपुर, कश्मीर जिंदाबाद है सर, कश्मीर जिंदाबाद है, उधमपुर जिंदाबाद है। हरियाणा। स्टेट का नाम मत लिखो भाई यार, स्टेट का नाम मत लिखो, उस जगह का नाम लिखो ना। जैसे सिटी प्रयागराज लिखा तो प्रयागराज समझ में आ गया। अब जैसे मैं प्रयागराज में पूछूंगा तो वो भी लिख दोगे तब भी मुझे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे रह रहे हो, मैं आपके घर तक पहुंच जाऊंगा तुरंत। ये पूरा प्रयागराज का मैप मेरे आंखों में है, मेरे ब्रेन में है। सर कहाँ से बच्चे? मणिपुर, कानपुर, प्रयागराज, अमरावती से हैं, उड़ीसा से हैं। सिया आप चिंता मत करिए, आपके आपके भी बात पर आते हैं हम वापस, है ना। रांची से हैं, लखीमपुर खीरे से हैं। अच्छा, अरे वाह, तो बहुत फेमस हुआ था सर अभी थोड़े टाइम पहले मीडिया में। अभी भी लखीमपुर खीरी में एक दुखद घटना हुई है, उस समय भी वो भी बीच में हुई थी ना, किसानों के टाइम में बहुत दुखद घटना हुई थी सर। फतेहाबाद, वाराणसी, अच्छा, जौनपुर से भी हैं। हाँ, जौनपुर। माजिद में कितनी बार कश्मीर आ चुका हूँ मैं, कम से कम शायद 12 से ज्यादा बार कश्मीर आ चुका हूँ। रेवाड़ी, मुझे कश्मीर बहुत पसंद है। ये तो वही वाला रेवाड़ी है सर, सुल्तान वाला। रेवाड़ी तो अपने सर, अपन जब यहाँ से दिल्ली जाते हैं ना सर, तो बीच में रेवाड़ी आती है सुबह से मॉर्निंग में। अर्ली मैंने तो जहाँ आपको उठा देता है, चल उठ, कहीं सीट तेरी है क्या, पूरी पूरा रिजर्वेशन करा रखा है क्या, चल थोड़ा ताऊ साइड में बैठ जा। पूरा रिजर्वेशन करा रखे के, हाँ पूरा ट्रेन रिजर्वेशन करा रखा है क्या है? तो समझ आता था रेवाड़ी आ गई है, अब चुपचाप बैठ जाओ। मैंने तो सर मूवी में देखा है रेवाड़ी। नहीं रेवाड़ी हमारे तो खूब सांगली, अच्छा बहुत मस्त लोग है रेवाड़ी वाले। शिमला देखिए, लखनऊ का भी मैप मेरे ब्रेन में है। लखनऊ में कहाँ से वो लिख दो तो वो भी समझ जाऊंगा। कांगड़ा, पवन जयपुर से है, बहुत अच्छी बात है बेटा। मध्य प्रदेश वाले कहाँ गए भाई? मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं है, कहाँ गए हो गए आज? दिल्ली से, दिल्ली, जोधपुर। ये कोई मेरा विद्यार्थी भी मिला, रतन। प्रतापगढ़ कहाँ? प्रतापगढ़ सर, ये देखो, प्रतापगढ़ राजस्थान। रागिनी नहीं, प्रतापगढ़ कौन सा, यूपी वाला प्रतापगढ़ की उत्तराखंड वाला? नहीं, प्रतापगढ़ राजस्थान का भी उसका हुआ, वहाँ यूपी वाला होगा, यूपी वाला होगा। प्रतापगढ़ में कहाँ बताओ? वो अंडमान निकोबार से कौन है मेरे भाई? अरे बाप रे, कौन था अंडमान निकोबार से? मुझे आना है अंडमान निकोबार। कौन था? नागालैंड। नागालैंड तो अच्छी बात है, चलो बच्चे। और उर्मिला का क्या क्वेश्चन? अरे वाह, बट यू नो एंट इज गोइंग टुवर्ड, अरे एक मिनट, उर्मिला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। एंट इज गोइंग टुवर्ड द ट्री वेयर एंट हॉपर और फीडिंग ऑन द सेल्स, सो व्हाट इट इज कंक्लूजन? क्या है, एक चींटी है वो पेड़ की तरफ जा रही है, जहां पर एक एंट हॉपर है वो फीड कर रहा है सेल्स, सो व्हाट इज इट? ये क्या बात हुई? क्वेश्चन और तो बताओ भाई। चींटी है वो जा रही है पेड़ की तरफ और पेड़ के ऊपर कोई रस चूस रहा है, तो अब अरे भाई कहानी को कोई एंड तो दो। फिर वहां जाकर क्या कर रही है? क्या चींटी वहां पहुंचते ही वो हॉपर वहां से भाग जाता है? एक्चुअली देखा जाए तो कंक्लूजन मेरे साथ तो ये निकलना चाहिए, एंट और पेड़ के बीच में दोस्ती होती है, ये ध्यान रखना, और हॉपर उनका दुश्मन होता है। अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या था उर्मिला, वो तो मुझे नहीं पता, पर जनरली इस तरीके की कहानी में क्या होता है, चींटी और पेड़ फाइनली दोस्त निकलते हैं और वो हॉपर को भगाने का काम करते हैं। रागिनी कह रही यूपी वाला। ओके, प्रतापगढ़ में मेरा गांव भी है, यूपी वाले गांव में। अरे वाह, मंदी पंजाब से, ओके। अरे किसको कुत्ते ने काट लिया? मोहल्ला को, कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम तो दिए आते ना, कुत्ते ने भी काट लिया तो क्या हो गया, थोड़ा एक लगा कर दिया आते। ये तो मुझे अक्षय कुमार की याद आ गई सर। अच्छा ये इतना कैसे हो सकता है भाई। प्रतीक जोशी अंडमान से है, ठीक है जोशी जी जरूर मिलेंगे। नासिक, अंडमान तो घूमने जाना है सर। ये वो क्या लग रही है? मैं अमरावती सर। आता लक्षात ठेवा, कुथून हे म्हणून विचारता पियू। अब तो सर ये अब तो बंगा है जरा। अमरावती की, अब तो हम पकड़ लेंगे पियू कौन है, बस इतना राज खुल गया। हाँ चींटी और पेड़ के बीच में ग्रास हॉपर का रोल पूछ रहे थे। देखो ग्रास हॉपर तो दोस्त होने से रहा, चींटी और पेड़ दोस्त होंगे ये गारंटेड है। चलो आगे, चलो। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके चलो, इस तरीके सर्वाइवरशिप कर्व है। देन ये क्वेश्चन था द मोलुस्का में थिक शेल हैवी वेट से लिखा हैवी वेट क्या होता था, ये पता नहीं क्या होता, हैवी वेट से क्या होता है। मोलुस्का थिक शेल प्रोटेक्शन का काम करता है, पर आगे एक्चुअल क्वेश्चन क्या था मोलुस्का वो दिखाए। पेरिसाइकल के बारे में कुछ क्वेश्चन था सर। पेरिसाइकल तो वैसे डाइकॉट कंडीशंस में डाइकॉट स्टेम कंडीशन में देखने को मिलती है, पर क्वेश्चन क्या था वो तो वो जाने, ये जाने। Which of the following are correct? अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए और बीच में रुक नहीं सकता जब तक ही कंप्लीट ना हो जाए, क्यों नहीं रुक सकता? बैक्टीरिया फॉलो मल्टीपल राउंड ऑफ एवरी, ये तो बात तो सही है, तो ठीक है क्वेश्चन। और पहला वाला गलत है, पर क्या पता क्या कहना चाहता है सर वो, क्या कवि क्या कहना चाहता है तो पता नहीं है कि रुक नहीं जाए कि क्यों नहीं रुकने जाए, क्या क्या प्रोटीन की बात की है। अरे भाई तुम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन ढंग से भेजा करो। एक क्वेश्चन ऐसा था सर ये 5' to 3', यहाँ से ये सिंथेसिस हुआ होगा 5' to 3', ये यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ तक सिंथेसिस हुआ होगा, फिर इस जगह से इस जगह पर सिंथेसाइज हुआ होगा, और अब अगला कहाँ से, अगला कौन सी पोजीशन। अगर ये बात सही है तो अपन ये टेम्पलेट आपका ये 3' to 5' ऐसे तो कहीं से होगा, क्या होगा है ना, ऐसा सर उल्टा होगा, उल्टा यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, एरो गलत बना रखे थे है ना, ये टेम्पलेट ऐसा चल रहा होगा, तो फिर ऐसा ये डी खाली क्यों छोड़ा इसने, है ना। सबसे पहला सिंथेसिस यहाँ पर होगा, फिर अगला सिंथेसिस ये होगा, फिर अगला सिंथेसिस ये होगा। लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रहा है, देखो क्या पता सर खुलता हुआ जा रहा हो, पता नहीं इसमें डायग्राम क्या बन रहा है। चलो अपन मान लेते हैं कि ये कहना चाहता है, मान लेते हैं कि ये लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रहा है सर, है ना, लीडिंग की बात, लीगिंग स्ट्रैंड की बात ही नहीं कर रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रहा है तो सर पहला ये ऐसा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और फिर में चौथा। इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी और डी। अगर इनमें से था तो ए सबसे लास्ट में जुड़ेगा, है ना। अब इसको इसी तरीके से बात करते हुए लैगिंग स्ट्रैंड सर यहाँ पर जो अगला जो जुड़ने का था वो डी के पास यहाँ जुड़ना चाहिए ना। अगर ये लैगिंग स्ट्रैंड लैगिंग है तो इफ इट इज लैगिंग सर इसमें प्राइमेस किधर काम करेगा। हाँ वही बात, किस जगह पर काम करेगा, तो इस जगह पर काम करेगा। हाँ एक्चुअल डिपेंड करता ना। हम ये मानकर बात चल रहे हैं कि ये इधर की तरफ एप्लीकेशन खुल रहा है ना। अभी अब इस डायग्राम के हिसाब से हम ये मानकर चले लैगिंग स्ट्रैंड है तो ये डीएनए ऐसे खुल रहा है, ठीक है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये इस तरीके से डीएनए खुल रहा है, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो अगला यहाँ पर जुड़ेगा, इस जगह पर सिंथेसिस इधर से यहाँ से इधर की तरफ होगा 5' to 3'। अगर हम ऐसा मानकर चल रहे हैं तो आप बायो ऑगमेंटेशन वाला बात कर ली बेटा। एरो का डायग्राम राइट साइड में था, फिर वो डिपेंड करता है ना, राइट साइड में था तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। वो डिपेंड करता है क्या था, पता नहीं, डायरेक्शन हो सकता है हमने नहीं सही लिखी हो, जहां से क्वेश्चन जैसे मिले वैसे हमने उठाया है। स्पीसीज रिचनेस एंड फ्रैगमेंट साइज में ये तो बात कर ली थी हमने। फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम क्या होता है, ये तो क्यों क्वेश्चन आया होगा, आया। फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम बेसिकली XQ27 के म्यूटेशन की साइड पर होता है। इस जगह पर CGG कुछ रिपीट्स होते हैं, CG रिपीट्स का एक्सपेंशन होता है, उसकी वजह से होता है। और इसके अंदर बेसिकली एक जीन म्यूटेंट होता है जिसका नाम है FMR जीन। अब क्या एक्चुअल क्वेश्चन था वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ अंजर, मुझे चाहिए आपकी CSIR की बुक वापस, और कोई नहीं ले तो मुझे प्लीज दे दीजिएगा। और ऐसे एंजलमैन वाला तो बात हो गई हमारी। एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामाइन कहाँ से बनता है, ये तो सर सुबह का क्वेश्चन था, ये शाम का नहीं था। ये तो टायरोसिन से बनता है, ये भी टायरोसिन, ये बस शाम का नहीं लग रहा है। सीरोटोनिन है वो ट्रिप्टोफैन से बनता है, और डोपामाइन वापस टायरोसिन से बनता है। ये सुबह का होगा, शाम का नहीं होगा। ये सर मैच करना था, एक क्वेश्चन था LTR रेट्रोट्रांसपोजोम, नॉन LTR रेट्रोट्रांसपोजोम साइन। तो LTR रेट्रोट्रांसपोजोम का नाम तो जिप्सी, कोपिया, कुछ भी TY1 TY दे सकते हो, जिप्सी दे सकते हो आप, कोपिया दे सकते हो। नॉन LTR का एग्जाम्पल आप लाइंस दे सकते हो। साइन एग्जाम्पल का एग्जाम्पल हो गया ALU, हो गया इसमें ना ALU साइन ह्यूमन के अंदर। और क्या था ऑप्शन, बस ऐसा ही कुछ रहा होगा, और तो क्या रहा होगा, यही था। हाँ यही था। ऐसा कुछ रहा होगा है ना। तो TY1 जिप्सी कोपिया इनमें से कुछ हो सकता है, इधर इधर लाइंस इसमें हो सकता है, एएलयू इसमें हो सकता है। मैपिंग तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों में काम आया बेटा। सर एक सेशन आस्क एनीथिंग कल है, कल शुरू होगा, कल आस्क एनीथिंग का ही होगा। कल 5 बजे आ जाना, कल बस 5 बजे आ जाना, बस आप लोग भूलिएगा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कल 5 बजे मत भूलिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बस इतने क्वेश्चन मुझे तो याद है जो मैंने कर लिए, अब बाकी आप जानो, आपका काम जाने। बहुत जल्दी से मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस आ जाएंगे, आ जाएंगे। और सर वो हमने जो लास्ट अंतिम बार में लिया था ना, वो कैंसर का क्या क्वेश्चन है वो, सर कैंसर को एक ड्रग से ट्रीट किया गया है, तो ब्लॉटिंग से पता चला कि P53 का एक्सप्रेशन इंक्रीज हुआ और कैसपेस 8 और 3 भी इंक्रीज हुए हैं, डेथ डोमेन भी इंक्रीज हुआ है। कैंसर मैं कैसे तो ये कैसे हो सकता है, ड्रग्स ट्रीट करने पर हुआ ना सर, ड्रग्स। हाँ तो अच्छी बात है ना, फिर बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया अच्छी बात है, काम कर रही है दवाई, तो दवाई काम कर रही है। हाँ सेम क्वेश्चन हमने किया था ना लास्ट जाते जाते। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमें और हमारी पूरी टीम को यकीन है कि आपने अपनी तरफ से बेहतरीन किया होगा, और किसी भी कारणवश कुछ गलती हो गई, क्योंकि हम सब इंसान हैं, गलतियां होती है, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें आते हुए गलत हो जाते हैं, तो उनको सुधारेंगे। वी विल अगेन रीयूनाइट, रीफाइट, रीजनरेट एंड रीइन्विग्रेट, रीइंटीग्रेट एंड विल नॉट लीव अंटिल वी कॉन्कर। जीत कर ही मानेंगे, और वो भी छोटी मोटी जीत नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई जीतने वाले हैं, और मुझे यकीन है आपका एक्सीलेंट रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। और फिर मैं कह रहा हूं कि आपकी लर्निंग इस तरीके से कंटिन्यूअस चलती रहेगी, और भूलिएगा नहीं सरप्राइजिंग ऑफर आ रहा है, तो कल शाम को, कल 5 PM पर जरूर जरूर, है ना, सरप्राइजिंग ऑफर मैं रिवील करने वाला हूं 5 PM। कल कितनी तारीख हो गई सर, 19 तारीख हो गई। हाँ सर, 19 सितंबर को प्लीज आप ज्यादा से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में बताइएगा, है ना, और ये सबको मतलब आप अपना शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप स्टेटस पे, क्योंकि सबको पता चल जाएगा, आपके जो फील्ड के, आपके जो फ्रेंड्स है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि 26 को न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, और अब बहुत मजा आया बेसिकली। हाँ, आप लोगों के साथ, है ना, एक अपना सा रिश्ता बन गया है आप लोगों के साथ, ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे सामने कोई कैमरा है, हमें हमेशा ऐसा देख लगा सामने शालू, राधिका, महिमा, पीयू, मतलब खटपट छोटी मोटी बातें होती रहती है, बट ऐसा लगता है ना कि मतलब सामने ही आप बैठे हुए हो, और चाहे राम हो, और कितने सारे बच्चे हैं सर, कितने सारे हैं ना, रजत है, सर बहुत सारे स्टूडेंट को तो ऐसे हो गए, इनका नाम ऐसे याद हो गया, मंजू, अंजलि, मतलब, और हक से ये मान पीडीएफ नहीं आई सर दो, मतलब ऐसा लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है ना छोटे, मतलब मुझे सर लगता है कभी कभी मुझे ऑफलाइन वालों का कम नाम याद रहता है, क्योंकि इनके डिस्प्ले होते रहते हैं, इसलिए इनके नाम ज्यादा याद हो जाते हैं, मतलब। और सभी टीम के मेंबर्स आप सबको थैंक्स देना चाहते हैं कि आप बड़ी मेहनत की, आपने कठोर परिश्रम किया, और उसका रिजल्ट निश्चित तौर पर आएगा। और वापस मैं दोस्तों कह देता हूँ कि जब कभी भी आप आगे बढ़ जाते हैं तो हम जनरली उस पायदान को भूल जाते हैं जहाँ से हम आगे चढ़े। आप ऐसा मत करिएगा, IFS को मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही IFS को आगे बढ़ा सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप रिकमेंड करेंगे तो आपको कभी कोई निराशा नहीं होगी, और वापस कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने कैसा चैनल बता दिया। मैं गारंटी देता हूँ हम इससे भी बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, और ऑनलाइन के अंदर तो ऑब्वियसली हमारा फर्ज भी बनता है कि हमें पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो हमें पैसे दिए गए हैं पढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो तो हमारी एक ड्यूटी बन जाती है। और यहाँ पर भी हम हमारी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए, दोनों ही बैच 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यही नहीं, गेट लाइफ साइंसेस, गेट बायोटेक्नोलॉजी के बैच भी 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अगर JRF क्लियर हो ही रहा है तो व्हाई नॉट, मतलब स्टैग्नेंट नहीं होना है ना, कि ठहरा हुआ पानी तो हमेशा स्मेल ही देगा। अगर JRF हो भी रही है तो व्हाई नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन। और कह रहे हैं ना, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, आगे कहीं ना कहीं पर आपकी काम जरूर आती है, तो आप गेट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। कबीर दास का एक लाइन है कि बहता पानी निर्जरा, बंदा गंदा होए। बिल्कुल सही बात। तो आप हमेशा कंटिन्यूअसली लगे रहिए किसी ना किसी तैयारी में, और ये चैनल हमेशा आपको हेल्प करता ही रहेगा, है ना। आप इस पर आओ, टाइम बिताओ, जब भी कभी लाइव सेशन आता है आप देखो, कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐड होता रहेगा, और एग्जाम में जब जाओगे तो लगेगा अरे वही सवाल आ गया, जितनी बातें कही थी वो सारी आई होंगी, मुझे पता है कि हम याद आ रहे होंगे आपको, पक्का है, यकीन है। तो 5 बजे कल मिलना मत भूलिएगा, कल सर आएंगे, कल आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। कल ओपन चर्चा होगी और कई सारे सरप्राइजेस होंगे, हम डिस्क्लोज करेंगे कि कैसे हम आपके फ्रेंड्स के लिए क्या लेकर आने वाले हैं यूट्यूब पर और पेड कोर्सेज के अंदर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। और ये मैं सबको दे देना, ओके, स्क्रीनशॉट, ये जो बोल रहा हूँ ना, ये शेयर कर देना व्हाट्सएप स्टेटस पे, ठीक है। तो कल शाम 5 बजे के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल, थैंक यू। हम ये सोच रहे थे कि तब तक आप मुझे ये बता दो कि हेलो ऑल, तब तक हमें ये तो बताओ कैसा रहा था, है ना। किसी को सर कुत्ता काट लिया, किसी के डायग्राम नहीं दिख रहे थे, समस्याएं तो हुई, समस्याएं बहुत हो गई सर, कुछ स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और देखो ये सब कह भी रहे हैं कि हाँ सर याद आ रहे थे, तो फिर तो याद तो आएंगे ही, क्योंकि हम बता रखे थे कि ये सवाल आएगा आएगा और आया। डीएनए प्राइमेज कहाँ वर्क करेगा ये पूछा है, अच्छा वो अभी पीछे, सुप्रिया अभी पीछे का वीडियो देख रही होगी, अभी पहुंची नहीं है, ठीक है। और तो सब ठीक ठाक रहा ना, उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक ठाक ही है ना, सबका बहुत अच्छा है सर। अगर मान लीजिए कि किसी का एग्जाम में कुछ थोड़ा बहुत सर इधर उतार चढ़ाव हुआ है, तो उसमें बिल्कुल घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है ना, उसमें कुछ आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि हम तो हमेशा आपके साथ हैं ही। सबका पेपर अच्छा हुआ है सर, सबका बहुत बहुत अच्छा हुआ है पेपर। एक्चुअल में वो कैसा होता है कि एग्जाम के बाद मिक्स फीलिंग होता है, कुछ क्वेश्चंस किए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आए होते हैं, या कुछ क्वेश्चंस का हमारे डाउट होता है, तो उस वजह से नर्वसनेस आती है। बाकी तो क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे थे, आपका रिस्पॉन्स शीट भी बहुत अच्छा ही होगा, और दूसरा जैसे रिस्पॉन्स पेपर आएंगे तो आप देख लेना। ओह, आपके लिए सॉरी एजुकेशन हब, ठीक है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हमें तो ये लगता है कि देखो जो भी आपका एग्जाम जैसा भी रहा हो, पर आप इतनी बात पक्की है कि पहले क्वेश्चन पेपर को देखने की और पहले का जो नजरिया था क्वेश्चन पेपर को देखने का और समझने का, अब वो पूरी तरह से बदल चुका है, और अब आप क्वेश्चन को समझने लगे हो। याद करो वो टाइम जब आप क्वेश्चन पेपर देखते थे और डर जाते थे और लगता था पता नहीं क्या पूछा है, ये सीएसआर में क्वेश्चन कहां से आते हैं, अरे एमएससी में तो हमने ये सब पढ़ा ही नहीं। लेकिन सोचो कि जब से ये आईएफएस का यूट्यूब चैनल आपके लिए आपके साथ है ना, हर शाम हम 5 बजे आते ही हैं, तब से आप सोचो कि आपको कितनी हेल्प मिलने लगी है, सब कुछ कितना बदल चुका है, आप कितना समझने लग गए हो कि हाँ इस सवाल को किस तरह से समझा जा सकता है, कौन कौन से तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। सोचो सीधे आपके घर ये सारी चीजें मिल रही हैं, है ना। मुझे पता है ऐसा ही लगता था, ऐसे लगता था एमएससी में कि कहाँ से सवाल आ जाते हैं, ये भगवान इतने बड़े बड़े सवाल, तो अगर ये पूछे जाते तो हमें एमएससी में ऐसे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, हमें पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, और एग्जाम देने जाओ तो ये पूछ ले रहे हैं। मुझे पता है ऐसा होता है, लेकिन आईएफएस की वजह से आप देखोगे हमेशा आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी। और सर उनको अभी एक्चुअल में कैसे है ना, उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है, उनको रियलिटी पता होती है, पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन पैटर्न पता होते हैं ना। तो एक्चुअल में अभी उनको एग्जाम्स के बारे में पता चल रहा है कि वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सॉल्व कैसे करने। एंड ये बहुत बड़ी बात है कि आपको घर बैठे मतलब आईएफएस के चैनल के ऊपर सारी चीजें पता हो रही है, एंड ये बहुत मतलब अच्छी बात है। ओके, नहीं तो हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारे टाइम पे ऐसा पता चलता था कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं पता चलता था, कोई भी चैनल कुछ भी नहीं था। हम सीधे आईएफएस आकर के हमें पता चलता था। हाँ, ये भी दुनिया आने के बाद मतलब फर्स्ट टाइम एक अलग ही दुनिया है, तब पता चलता है मतलब वो कितना एक्सीडेंट है। देखो कि अगर आपको मतलब आप आए नहीं तो क्या पता चलेगा, आप तो फिर अपनी दुनिया में रहोगे। हाँ, जो कि आप पागल थे, पागल ही रहोगे फिर। देखो आयशा परवीन कह रही है कि सर अब क्वेश्चन समझ आने काफी अच्छा, मतलब खुद में काफी चेंज आया है और क्वेश्चन समझ में आने लग गए। राइट, हाँ, रिजल्ट आने के बाद तनवी देंगे ना लोडो चोको पाए। हाँ हाँ वही, वो लोडो चोको पाए। हाँ लोटे चोको पाई होता है यार, लोटे चोको पाए। हाँ वही, अच्छा मैं चोको पाए बोलता हूँ, लोटे कह सकते हैं। लोटे चोको पाए का प्रॉब्लम सर। लो प्लीज एटलीस्ट प्रेडिक्ट नाउ व्हिच शिफ्ट इज टफ। देखो इवनिंग शिफ्ट में थोड़ा सा सी पार्ट थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा सा शायद टफ है, पर और इवनिंग शिफ्ट का सर पार्ट ए भी थोड़ा सा ज्यादा समय वाला लगा था। हाँ वो मेंटोस की पावर है, मेंटोस बहुत खाए थे इन लोगों ने तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है सर। हाँ हाँ, और पेपर टफ वगैरह ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है मे बी पेपर आने के बाद समझ में आएगा। आप उस चीज पे जाते क्यों? हाँ, कौन सा टफ था कौन सा सिंपल था उसको जाने दो, बस आप इतना देखो। माइंड पे सोचना ही नहीं है ना, हमें क्या करना है? हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर सोचो आप, हाँ, कि अगर मान लो एग्जाम में देने गया और मुझसे 2 का टेबल पूछ लिया और मैं 3 का टेबल पढ़ करके गया तो मुझे टफ लगेगा ना। बात वही है कि आप जो पढ़ करके जाओगे अगर वहां से उस एरिया से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपको लगेगा टफ है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा इंतजार करो, हम भी देखते हैं ना कि किस तरह के जनरलाइज्ड क्वेश्चन थे, कि थोड़ा स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन थे, कि मिक्स क्वेश्चन थे, क्या लेवल था। ये क्वेश्चन पेपर एक बार देखेंगे तब पता चल जाएगा। और देखो अभी हो गए सब, अभी तो रिलैक्स रहो। हाँ, अभी तो कुछ सोचो ही मत ना, अभी तो क्या, अभी बस एंजॉय करो और जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे करते रहो और कंटिन्यू करो प्रिपरेशन। रास्ता यही, स्टॉप नहीं करनी है बिल्कुल। एक हमेशा याद रखो, चाहे आपका हो नहीं हो, प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है क्योंकि हमारे लिए नेक्स्ट एग्जाम और इम्पोर्टेंट है। इसमें से सर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो हो सकता है दुखी भी हो, है ना, तो आप दुखी मत होइएगा। तुम भी कभी आप जैसे थे और आज यहाँ पर है कि हम आपको बता रहे हैं, तो आप टेंशन मत लो। होता है सबके साथ कभी कभी कुछ, मतलब ऐसा, ये सब बातें तो छोड़ ही दो, ठीक है। कल का दिन तो गया ना। कोई कहता है कि सर मैं 1 साल हो गया मुझे प्रिपेयर करते। अगर जैसे सिया की बात थी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आप कहीं ज्वाइन कर लो। मुझे यकीन है कि अगर आपने आईएफएस से प्रिपेयर कर रखा है थोड़ा बहुत भी, तो कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जो समझ है आपकी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि उस जहां भी आप जाओगे पढ़ाने वहां पर सबसे बेस्ट हो गए, वहां पर सबसे ज्यादा बेस्ट हो गए और आपको कोई मना नहीं कर सकता। कहीं आप ज्वाइन कर लो और फिर उसके बाद आप देखो अपनी कंडीशन और साथ साथ तैयारी करते रहो। तैयारी तो कंटिन्यू करनी ही पड़ती है, इवन हमें भी तैयारी करके ही आना पड़ता है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि मेरी प्रिपरेशन छूट जाएगी क्वालिफाई होने के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा प्रिपेयर करता रहना पड़ेगा, आपको हमेशा नॉलेज लर्निंग करती ही रहनी पड़ेगी और वो कंटिन्यू करना अच्छी बात होती है। अगर नेट का आपने एजुकेशन हब पढ़ लिया है तो गेट के बस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा देख लेना, पेजेस पलट लेना क्वेश्चन और बाकी हाँ गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और अगर आपको अच्छे से आता है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। डिपेंड करता है ना सब्जेक्ट क्या था, किस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो, किस। देखो एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को लेवल भी पता चलेगा। नेट के लेवल पे हो तुम लोगों तो गेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, गेट में सेट में किसी भी डीबीटी में कोई भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आप नेट लेवल के हो, आपका ऑलरेडी मतलब एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, तो नेट का लेवल ही रखना है हमेशा। ये भी याद रखो, लेवल नेट का ही होना चाहिए पढ़ाई का, चाहे कोई और क्वेश्चन सारे एग्जाम के होने चाहिए ताकि आपको कोई भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ भाई, तो ये तो होता ही है। तो यही इसीलिए तो मैपिंग कराते हैं कि उन एरिया को बता दें कि जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसी लहर चल रही है इंडिया में क्वेश्चंस को लेकर के। गेट केमिस्ट्री की प्रॉब्लम आती है तो आप 12th लेवल की केमिस्ट्री कहीं से भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, थोड़ा बहुत एक बार पैटर्न देखो, पहचान जाओगे। गेट के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, स्वागत है आपका। सब्सक्रिप्शन लेना तो सही होता है क्योंकि क्या होता है, हम एक डायरेक्शन से जाते, आपको एक मतलब अच्छे से गाइड किया जाता है, आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, और दूसरी चीज की क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती है, बिल्कुल, और सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाता है, सिलेबस पूरा होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, तो आप पहले से ही डेवलप हो जाते हो। घर पे पढ़ना और कोई मतलब डाइवर्जन्स कम होते हैं, आप एक पाथ पर चलते रहते हो, एक रास्ते पर, एक डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब क्लास में होते हो तो आपकी सारी चीजें मेंटेन होती है, सारी चीजें होती है। श्योर दीपिका, बिल्कुल कर पाओगे। यही तो बताया कि आप अगर नेट का अच्छे से प्रिपेयर करते हो, गेट का नो डाउट सिलेबस थोड़ा अलग होता है। गेट के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो अलग से ले सकते हो क्योंकि नो डाउट सिलेबस तो थोड़ा सा अलग है ही, पर आप नेट के सिलेबस से क्या गेट क्लियर कर सकते हो, ये इस बात पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसा पढ़ा हुआ है और वहां पर आपके सब्जेक्ट क्या थे, यहाँ पर चूज क्या कर रहे हो। तो कई सारे फैक्टर हैं जो इस चीज को डिसाइड करते हैं। एजुकेशन हब वो कल डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि कल का बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो आपको कल सारे फीस भी पता चल जाएंगे, सारे कोर्सेस पता चल जाएंगे। एंड दूसरी चीज, मैं तो आपको बस इतना ही बोलूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस पे बेस के ऊपर अगर आपको सीरियसली, क्योंकि देखो अगर आप CSIR प्रिपेयर करना चाहते हो तो सीरियसनेस इंपॉर्टेंट है, एंड सीरियसली प्रिपेयर करना है तो 13 के 13 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, करने ही चाहिए, तभी आप अच्छे से उसको पेपर को दे सकते हो। दूसरी चीज, आपका अगर एग्जाम मैपिंग का सीरीज भी तब आपको अच्छा समझ में आएगा जब आपने पहले प्रिपेयर किया है, ये भी याद रखना। इसलिए 6 मंथ का कोर्स अगर आप अच्छे से करते हो तो एग्जाम मैपिंग सीरीज में आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका JRF फाइनली क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं अंकित, एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ तो टेंशन क्यों लेते हो, एग्जामिनेशन नहीं अच्छा हुआ, ऐसे बहुत सारे आपके जैसे स्टूडेंट होंगे जिनका हो सकता है अच्छा नहीं हो पाया हो, पर वो पढ़ने में बहुत अच्छे रहे हों, वो 3 घंटे में हो सकता है कुछ डर गए हों, हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। तो आप समझिए कि आपकी समस्या क्या हुई थी और अगली बार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, आपने सुना होगा विवेकानंद जी ने ये कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, समझे। तो बस लगे रहो अपने सपनों को पूरा करने में, वो होगा ही होगा। ये सब बहुत छोटी चीज लगने लग जाएगी एक लेवल पर। अच्छा अंकित यहीं से हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट अपने यहाँ से, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि आप है ना सीरियसली आज से प्रिपरेशन करना फिर से स्टार्ट कर दो। ओके, एक हमेशा याद रखो, जो अपना गया हुआ कल है उसको छोड़ दो, उसको याद ना करो या उसको मत मतलब देखो मत, उसके सिर्फ मिस्टेक्स देखो कि जो मिस्टेक्स किए थे, और वो मिस्टेक्स आगे होने नहीं चाहिए, फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए। और कल का दिन, बस कल का दिन जितना एंजॉय करना चाहते हो, हाँ, करो। बस बीती बातें हो, ज्यादा एंजॉय करना चाहते हो वो करो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ डांस करो, मूवी देखने जाओ, जो भी आपको करना है आप कल बढ़िया से एंजॉय करो और परसों से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और आपका मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है, इसलिए इतना ज्यादा सोचना नहीं है, जो गया वो गया। मतलब इनको ये पता नहीं है सर एक्चुअल में, ठीक है, वही तो देखो सब कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा अच्छा नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, केमिस्ट्री की कोचिंग है राजकुमारी, केमिस्ट्री की कोचिंग है, आप पुणे से ज्वाइन कर सकते हो, पुणे से ज्वाइन करो, देखो केमिस्ट्री के लिए कॉल कर सकते हो, सब कुछ। IFS केमिकल साइंस देखो, नेट पर टाइप करो, गूगल पर टाइप करो, आपको मिल जाएगा, वहां भी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, आप देख सकते हो, वहां पर भी सेशन चलता है। IFS केमिस्ट्री का चैनल ज्वाइन कर लो, सब पता चलेगा, जैसे हम हैं वैसे वो है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करो, कल शाम 5 बजे मिलिए, आप हम लोगों से वापस और जो भी डाउट्स है ना डाउट्स लेके आना, डाउट ओके, और मन में कुछ मत रखना, जो बोलना है वो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखो कोई मतलब अगर आपको मतलब पेपर अच्छा भी नहीं गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बुरा मत मानना। आगे की तैयारी जो है हम बहुत अच्छे से करेंगे और अच्छे से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है ओके। और पेपर हो गया, अभी अभी पेपर के बारे में सोचना नहीं है, अभी बस एंजॉय करना है, ये याद रखो। एंड पढ़ाई करना है, दो चीजें, पढ़ाई भी रुकनी नहीं चाहिए, एंजॉय भी रुकना नहीं चाहिए। Definitely Sheikh, you can join online session and our online batch started from online batch will start from 26 दोनों भी 26 से ऑनलाइन में भी सरप्राइज है, ऑफलाइन में भी सरप्राइज है ऑनलाइन बैच। और आपके लिए तो सबके लिए सब कुछ है, मतलब आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो YouTube है, आपको अगर कोचिंग से पढ़ना है तो क्लास भी स्टार्ट हो रहा है और वो भी बहुत अच्छे, मतलब इतना अच्छा बैच है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका इतना अच्छा प्रिपरेशन होगा कि जिसमें आप मतलब कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ओनली CSIR नहीं। लाइफ साइंस का हिंदी मीडियम ऑनलाइन कोर्स तो देखो मिक्स मीडियम है, जैसा मैं बोल रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपको आ रही है तो ऐसे ही पूरी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फीस का खुलासा होगा कल, कल शाम 5 बजे फीस कितनी है, बहुत बड़ा ऑफर कल के दिन मिलने वाला है आपको, तो इसका पता लगेगा, तो फीस कितनी है ये पता चल जाएगा। आप कल शाम 5 बजे तैयार रहिए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं आपको शाम 5 बजे, ठीक है।